सर मेरे में एरर आ रहा था। हाँ अभी ज़रा जिन लोगों ने लिंक भेजा है उनका देखते हैं हम क्या बनाया उन्होंने। कराची लिख के मैंने गेट वेदर किया तो ये गुड यार, वेल डन। अच्छा सारी गिटहब की रिपोजिटरी भी भेजो ताकि मैं तुम्हारे कंपोनेंट्स की हायरार्की ज़रा चेक करूँ। अच्छा वाह यार गुड, ज़बरदस्त। रुकें सर, मैं भेजता हूँ। अच्छा मोहम्मद अली ये हैं, मारिया हैं ये आप जो यूआरएल भेजती हैं ना, ये आपने ड्राफ्ट वाला यूआरएल भेजा हुआ होता है, ये ना भेजा करें आप। आप डिप्लॉय करते हुए ना माइनस माइनस प्रॉड उसमें लगाया करें, उससे क्या होता है कि वो प्रोडक्शन पे डिप्लॉय होता है। तो यूआरएल जितना लंबा सारा जो आ रहा है ना, ये ड्राफ्ट है। ये सही है यार, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया, कंपोनेंट बिल्कुल सही बनाया। अच्छा थैंक यू सर। अच्छा अब बताओ भाई किसका क्या एरर आ रहा था वो बता दो। शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर ये जब मैंने लॉगिन पेज बनाया तो इस तरह की ये चीज़ आ जाती है ना, ये प्रॉपर उस तरह डिजाइनिंग भी नहीं आती। अच्छा तो आपने वो कोई स्टेप मिस कर दिया होगा, कोई एक लाइब्रेरी ना आप इंस्टॉल करना भूल गए शायद इसमें से। सर ये वही आप वाला जिस तरह वीडियो में था उसी तरह ही की है। ये चेक में ये इसका पेज बना हुआ है ना, वही वाला, फिर अच्छा आप वाला उठा इस उठा कर पेज लगाया। में आपने कोई चेंजेस तो नहीं किए हैं इस पूरे पेज के अंदर? नहीं सर, वो जिस आपने लाइब्रेरीज 3 इंस्टॉल करवाई थी वही 3 इंस्टॉल की हैं। अच्छा तो आपने जो आपकी सी एस एस है ना, ऐप डॉट सी एस एस, वो ज़रा फाइल मुझे दिखा दें, उसमें आपने क्या लिखा हुआ है। ये वाली है सर। अच्छा एक ही फाइल है सी एस एस की आपके पास या और भी हैं? ये एक ही फाइल है, ये इंपोर्ट की अच्छा इंडेक्स डॉट सी एस एस दिखाएं मुझे, उसमें क्या ये है। इसमें कोड लगा, इसको खत्म कर हाँ दूं। इसको हटाना पड़ेगा आपको, इसी की वजह से शो हो रहा है शायद ये, क्योंकि इसने मार्जिन वगैरह ना सब ज़ीरो किया हुआ है। करें सेव करें इसको हटा के। असल में ये लगा रहा है बॉडी पे ना, सारे स्टाइलिंग बॉडी पे कर रहा है ये। अभी भी उसी तरह ही अच्छा है। टर्म यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग खोल के दिखाएं मुझे ब्राउज़र के ऊपर। सर इनकी मेरे ख्याल से वेदर की है, तो उसकी क्लासेस मिक्स हो रही होंगी। आपकी बात समझ में नहीं आई इरफान सुल्तान, क्या कह रहे हैं सर हमारे पास भी ये हो रहा था, डिजाइन सही नहीं आ रहा था, फिर हमने क्लासेस चेंज करी है, वेदर है कि फिर सही आएगी। आप? अच्छा इसका तो फिर एक ही मसला है रिजवान, कि आप ना मेरा वाला कोड आप पूरा ना फोल्डर उसको चलाकर देखें, और मेरा वाला कोड अगर आपके पास बिल्कुल सही चल जाए जैसा मेरे पास चल रहा है, तो फिर आप मेरे कोड को और अपने कोड को कंपेयर करें कि किस पॉइंट पे आपने मिस्टेक की थी। ठीक है अभी तो ये आपने मेरा कोड उठा के अपने फोल्डर में कॉपी किया था ना, आप ऐसे ना करें, मेरा फोल्डर ही उठाएं और एज इट इज़ उसको रन करें। अगर आपके पास वो सही रन हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे कि अपना कोड आप खोलेंगे एक वी एस कोड में और मेरा कोड आप खोलेंगे दूसरे में, और लाइन बाई लाइन आप ना उसको कॉम्पेयर करेंगे। 10-12 मिनट 15 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन वो मसला समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपने डिफरेंट किया हुआ है। जी मोहम्मद अहमद, सर ये मैं जब वो इधर कोड लिखता हूँ तो वैसे ही वो चला जाता है। क्या चला जाता पहले है? सर एक मिनट,
ये इसको ना रेडी कर लिया करें स्क्रीन शेयर करने से पहले ना, ताकि टाइम सर बचाया ये जा वाला सके, जो टाइम ज़ाया ना हो। सर जब ये डाटा डॉट मैप वाला लगाता हूँ ना तो वो ऊपर से सब कुछ ही चला जाता है अच्छा चला कर ये कोड सर, को वो मिल से इंडेंट तो करें, UVX या कोड को CSS की इंडेंट तो करें, फाइल्स। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट दबाएं, ये तो सही नहीं हुआ होगा ना कोड आपका, आगे पीछे समझ में नहीं आता कोड की लिखा हुआ क्या है। हाँ देखिए आप कैसा सही हो गया, सेव कर दें इसको कंट्रोल एस। अब चलाएं बोलो, हो रहा है अभी चल रहा है, शुरू हो रहा सर जी अब कुछ भी नहीं शो हो रहा, पहले वो जब कोड रेज करते हैं तो फिर वो सर्च बार वाला आ जाता है, बटन भी आ जाता है, जब लिखते हैं तो साथ ही गायब हो जाता है, ये है। है, ये एरर मुझे पढ़ के बताओ पहली लाइन इसकी। सर परफॉर्म भाई पहली लाइन पे पढ़ोगे ना, पहली लाइन से शुरू करोगे ना पढ़ना, बीच से तो नहीं पढ़ोगे ना। हाँ अनकैश टाइप डेटा डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, जो जिस डेटा पे आप डॉट करके मैप लगा रहे हैं ना वो एरे नहीं है, वो कोई और चीज़ है। सही है, जिस डेटा पे आपने डॉट लगाया हुआ है ना वो एरे नहीं है, वो कोई और चीज़ है, इसलिए वो मैप चल ही नहीं रहा। अब वो डेटा में क्या है उसको ज़रा पहले कंसोल करवाएं, उसको अलग से देखें कि वो डेटा में क्या मिल रहा है। ठीक है, वो डेटा में एरे नहीं है, कोई एरे के अलावा कोई और चीज़ है। सर वो बाकी सारा ठीक चल रहा है लेकिन जब ये इधर लिखता हूँ तो फिर वो हाँ मैंने आपको वो मसला बता दिया ना, मसला मैंने आपको बता दिया कि वो जो डेटा का नाम का ये जो सेट करवा रहे हैं ना रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट लिस्ट, ये एरे नहीं है, ये कोई और चीज़ है, उसको आप कंसोल करवा के देख लें वो क्या है। ओके सर वो लिस्ट में शायद एस लगा हुआ है, आपने एस नहीं लगाया मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, तो आप देख लीजिएगा उसको। अच्छा जी, और किसी का कोई एरर अगर है तो बता दें फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर एक बार फिर बता दें यूआरएल इतना बड़ा क्यों आ रहा है, ये यूआरएल इतना बड़ा इस वजह से आ रहा है कि आप नेटलीफाई पर डिप्लॉय करते हुए माइनस माइनस प्रॉड लगाना पड़ता है आपको। आप कहते हैं नेटलीफाई डिप्लॉय, सही है, आप कहते हैं नेटलीफाई स्पेस डिप्लॉय उसके बाद स्पेस माइनस माइनस प्रॉड PROD प्रॉड, ठीक है, तो उससे वो छोटा वाला यूआरएल आपको मिलता है। हाँ पासवर्ड को हैश करना तो मैं बता चुका हूँ, इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई आपको पासवर्ड को हैश करने वाला जो मैंने बताया था। मैं कोड खोल लेता हूँ ज़रा, वो लास्ट जहाँ तक हमने कर लिया था। अच्छा ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ दोबारा आपसे। जी फारिया जमाल, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रा माइक खोल के ज़रा बताएं क्या क्वेश्चन है वो आपका। ये है मेरे सर्वर की फ़ाइल और इसमें मैंने बताया था आपको कि पासवर्ड को जब सेव करेंगे तो हम हैश बना के सेव करेंगे, और वो कहाँ पे किया हुआ है हमने, वो हमने यहाँ पे किया हुआ है स्ट्रिंग टू हैश। ठीक है, इसको मैं असली पासवर्ड देता हूँ और ये मुझे क्या बना के दे देता है, हैश उसका बना के मुझे ये दे देता है। ठीक है, सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये जो आपने ऊपर लिखा है ना इम्पोर्ट, ये वाला ऊपर इम्पोर्ट जी स्ट्रिंग टू हैश, ये आपने लाइब्रेरी में कहाँ लिखा हुआ, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। नहीं ये तो इंस्टॉल इसी तरह होगा ना, ये देखिए लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी का नाम है bcrypt-ng। अब ये लाइब्रेरी में जाके सर्च करूँगा ना गूगल पे तो ये देखें ये सामने आ गई लाइब्रेरी, इसके अंदर गया मैं। अब इसके अंदर जब जाऊंगा तो एग्जांपल कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इंस्टॉल होगा ये इस तरह करके, सही है, इंस्टॉल होगा ये और फिर ऐसे करके ये चलेगा, ये पूरी कोडिंग एग्जांपल है, इम्पोर्ट करने का तरीका भी है और स्ट्रिंग टू हैश को कॉल कैसे होगा वो भी तरीका मौजूद है। ठीक है, यहाँ सब चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पर यही चीज़ समझ नहीं आ रही थी आपको।
जी सर। अच्छा ये खाली बिक्रिप्ट पे कोई और है लाइब्रेरी? अच्छा खाली बिक्रिप्ट भी एक लाइब्रेरी है, सही है, खाली बिक्रिप्ट भी एक है लाइब्रेरी। मैंने वो लगा दी थी तो इसलिए शायद एरर आ रहा हाँ था। नहीं, ये जो है वो बिक्रिप्ट डैश एनजी है। हाँ बचपन में शौक होता है ना हर चीज़ के साथ नाम लगाने का अपना, तो हमें भी बचपन में बड़ा शौक था तो अपना नाम लगा दिया था साथ में उसके। ये मैंने लिखी है लाइब्रेरी सर एक क्वेश्चन है। बहुत ज़माने, 5 साल पहले। अच्छा ये सिर्फ जो बिक्रिप्ट है ना, npm इंस्टॉल बिक्रिप्ट, ये जी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने इसी मसले को हल करने के लिए ना, इसमें देखिए वो नॉर्ड और प्री GYP चाहिए होता है, ये इंस्टॉल नहीं होता, बड़ी बहुत जी मसला मैंने करता था यही ये। खोलनी थी तो वो मुझे समझ ही नहीं आया कि किस हाँ तरह से ये किया बहुत हुआ। लंबा इंस्टॉल होता है और ये फिर चलता नहीं है, बहुत टाइम लगाता है ये। और फिर इसको ना देखें आप, चलाने का जो तरीका है वो भी डबल है, एक पहले इसका सॉल्ट जनरेट होता है और सॉल्ट के बाद फिर हैश जनरेट होता है। तो ये थोड़ा सा बच्चों को ना समझ में नहीं आता पहली दफ़ा में, तो इसलिए मैंने अंदर उसके यही इस्तेमाल हो रहा है, इसी के ऊपर वो रैपर मैंने लिख दिया है और आसान करके लिख दिया है, ताकि वो पहली दफ़ा में ही आप देखो और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर ये बिक्रिप्ट डॉट कॉम्पेयर वगैरह इसके अंदर फंक्शन है, और ये बिक्रिप्ट हैश बिक्रिप्ट कॉम्पेयर ऐसे करके, ये भी सही है लाइब्रेरी, लेकिन इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कर लें, अदरवाइज़ अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो ये मैंने जो लिखी है ना आसान वाली बिक्रिप्ट इनजी, इसका मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ यहाँ पर, ये आप यूज़ कर लें। ओके सर थैंक यू। अच्छा मारिया कह रही हैं कि नेटलीफाई डिप्लॉय मैनेजमेंट प्रोवाइड करने से तो यही आता है जी। आपको ना दो लिंक आते होंगे, एक ये वाला आता होगा लंबा वाला और एक छोटा वाला आता होगा, दोनों लिंक आते होंगे आपके पास, सही है। सर जी प्यारे दोस्त, सर वो ये जो हैंडलर वाला वो आपने जिन वेदर ऐप में किया था वो इनपुट सीटी देने के लिए, वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है जब भी वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ तो आ जाते हैं वेब थोड़ा सा में अगर आया उसका। मैं और SRC में और कंपोनेंट में, और कंपोनेंट में किस पे, वेदर कार्ड पे था, होम पे था, वेदर वो ऐप पे जाए होम पे जाए होम पे होम पे आ गया मैं। और होम पे जो है वो क्या था, एक इंडेक्स फॉर्म था, इसमें ऑन जी सर ये सबमिट जो पे एक सबमिट फंक्शन लगा हुआ था। ये सबमिट पे ये वाला और वो जो जब नाम जाता है सिटी का वो दोनों चीजें कंफ्यूज कर देती हैं ये जब भी मैं ये देखो भाई, बनाता ऑन हूँ। सबमिट जब हम पहले भी फॉर्म बनाते रहे ना HTML के अंदर, HTML में भी ऑन सबमिट लगाते थे और सामने जी फंक्शन का नाम दे देते थे कि भाई जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये फंक्शन एक दफ़ा चला दो, तो इसमें मुश्किल क्या है, मतलब मेरा सवाल ये है कि इसमें मुश्किल क्या है, वही तो हो रहा है पहले वाला काम, बस लिखने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। हमने कहा भाई ये फॉर्म है, जब ये सबमिट हो तो ये फंक्शन एक दफ़ा चला दो। अब ये फंक्शन है कहाँ पर, ये फंक्शन ये ऊपर बना हुआ है, इसको रिटर्न से पहले इसको फंक्शन को लिखना होता है आपको, ठीक है। तो ये है वो फंक्शन, ठीक और ये फंक्शन बना हुआ है एसिंक, उसमें बना हुआ है ये ES6 का एरो फंक्शन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसको ES6 का एरो फंक्शन ही बनाऊँ मैं इसको नेम फंक्शन भी बना सकता हूँ जो फंक्शन के कीवर्ड से बनता है, ठीक है। लेकिन ES6 नया वाला है तो हम अपनी तमाम तर चीज़ें ES6 में करेंगे अब। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि चल जाता है एक दफ़ा इस फॉर्म के सबमिट होने पे। और सर ये जो एक दूसरा है जहाँ पे वो सिटी का नाम दिया जाता है हाँ यहाँ ये पे सिटी का जो नाम है ना, देखो ये क्या चेंज। है, ये असल में एक इनपुट बॉक्स है, ठीक है। इनपुट बॉक्स के ऊपर ऑन चेंज का ना एक फंक्शन है, वो चलता है। अच्छा ये फंक्शन कब चलता है, जैसे कि ये सबमिट है ना, ये कब चलता है, जब फॉर्म सबमिट होता है तो ये एक दफ़ा चलता है। ये ऑन चेंज के ऊपर ना देखो, अंदर मैंने इसके भी फंक्शन दिया है, मैंने डायरेक्ट फंक्शन पास कर दिया, यहाँ पे भी मैं नाम दे सकता था फंक्शन का, लेकिन मैंने यहाँ पे ना नाम नहीं दिया, असल में इसलिए नहीं दिया ताकि पता चले कि अच्छा ऐसे भी हो जाता है, इसलिए नहीं दिया नाम, वरना यहाँ पे भी मैं क्या लगाता, मैं लगाता चेंज हैंडलर और फंक्शन ऊपर बना देता, यहाँ पे उसका नाम लिख देता, बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे ऑन सबमिट में लिखा है। लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन इसलिए ठीक पास किया कि मैं बताना चाहता था कि ये भी पॉसिबल है, ऐसे भी हो जाता है, ऑन सबमिट में भी आप ऐसे चाहें करना तो कर सकते हैं आप, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। तो अब ये जो फंक्शन है ना, ये क्या होगा, ये एक दफ़ा चलेगा कब, जब इस इनपुट बॉक्स में कोई भी चेंज आएगा तो ये एक दफ़ा चलेगा, क्योंकि ये लगा हुआ है ऑन चेंज, ठीक है। मिसाल के तौर पे इनपुट बॉक्स में आपने के लिखा तो ये एक दफ़ा चल जाएगा, ठीक है। तो के कहाँ जाके सेव हो जाएगा, सिटी नेम के अंदर। फिर आपने लिखा ए में तो एक दफ़ा और चल जाएगा, फिर आर लिखेंगे एक दफ़ा और चल जाएगा, ऐसे ये जितनी बार बटन प्रेस करेंगे ना आप उतनी बार ये चलेगा। तो जब जब आप बटन प्रेस करेंगे इसको पूरा, आप पूरी वैल्यू उठाएगा ये टेक्स्ट बॉक्स से, और पूरी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स से उठा के उस वेरिएबल में जाके स्टोर करवा देगा।
सर ये कार्ड के थ्रू जिस तरह हमने वेदर कार्ड के थ्रू भी जिस तरह हमने फेसबुक का कंपोनेंट बनाया था कार्ड के थ्रू वैल्यूज ली थी, तो यूट्यूब पे एक वीडियो थी वो इसी तरह वेदर ऐप बना रहा था, वो कार्ड के थ्रू नहीं कर रहा था, वो डायरेक्ट डिव लेकर और उसमें वैल्यू रेंडर करवा लेता। हाँ, हाँ, वैसे भी करवा सकते हैं, वैसे भी करवा सकते हैं बिल्कुल। हमने तो कंपोनेंट अलग इसलिए किया ना कि कंपोनेंट में अब देखो डिव में ना वो स्टाइलिंग नहीं कर सकता इतनी अच्छे से, फिर उसने डिव पे जो भी किया होगा वो शॉर्ट सा किया होगा, वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया होगा, लेकिन असली ज़िंदगी के कंपोनेंट जो होते हैं ना बड़े लंबे चौड़े होते हैं वो, तो उसमें आपको ना स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़ाहिर है पूरा प्रॉपर कोड लिखना पड़ता है आपको ताकि वो अच्छा लगे दिखने में, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उसने डिव लेके कर दिया, लेकिन असल में आप डिव पे करने की कोशिश करेंगे वो इतना लंबा कोड हो जाएगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, ठीक। अभी आप देखें ना, अगर आप वेदर कार्ड हमारा आकर देखें अभी आप तो वेदर कार्ड में अच्छा खासा लंबा कोड है, बावजूद इसके कि मैं कोई ढंग का मैंने सी एस एस इस पर लगाई नहीं है अभी तक, अभी तक मैंने कोई ढंग की सी एस एस थोड़ी लगाई है इसके ऊपर। आप देखें इसमें काफ़ी सारा कोड है, लंबा चौड़ा सा कोड है। ठीक है, वो भी जब हुआ था जब मैंने जो है ना, हमने तो ये हाँ वो बेसिकली एक एक का ही ले रहा था ना, फॉर एग्जांपल एक सीटी इंटर करता था बस उसी का ही आता था, यहाँ पे तो ये काफी ज्यादा कार्ड आ रहे थे ना, तो वो उस तरीके से कर रहा था। हाँ हाँ, तो ये वाला तरीका ना बड़ी ऐप्स के लिए ज्यादा बेहतर ये है कि आप अलग से कंपोनेंट बना लें, लेकिन जब बिल्कुल छोटी हो तो उसके लिए आप ना भी बनाए उसके लिए डायरेक्ट डिप लगा दें आप, तो वो भी ठीक है। अच्छा भाइयों, तो अभी तक हमने क्या चीजें पढ़ ली हैं, अभी तक हमने ये पढ़ लिया है के भाई जी सर वो कंसोल लगाया लेकिन वो भी नहीं, इससे भी नहीं आ रहा है। कंसोल लगाया तो क्या नहीं आ रहा उसमें, दिखाओ मुझे स्क्रीन अपनी दिखाओ। हाँ नहीं, इधर तो नहीं लगाना था कंसोल, डेटा जहाँ पे आ रहा था वहाँ लगाना था। चलो इधर भी लगा दिया तो खैर हो गई, अब दिखाओ मुझे ज़रा इस कंसोल में प्रिंट क्या हो रहा है, प्रिंट तो यहाँ पे भी होना चाहिए उसको। ये अनडिफाइन आ रहा है ना डेटा आपका, ये इसको कंडीशनल बनाना होता है आपको, कंडीशनल, ये अनडिफाइन आ रहा है डेटा आपके पास। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी स्क्रीन, मैं समझ गया आपका ये प्रॉब्लम, मैं समझ गया आपको, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ ये क्यों आपके पास हो रहा है। असल में आपने वो कंडीशनल नहीं उसको बनाया हुआ। मैं चला जाता हूँ इस ऐप के अंदर और वेब के अंदर चला जाता हूँ मैं SRC, और फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ होम पे जहाँ पे API कॉल लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं होम पे जब आता हूँ ना तो आप देखें यहाँ पे जो मैंने ये लगाया हुआ ना data.map, तो शुरू में ये डेटा आपको क्या मिलता है, शुरू में ये डेटा आपको अनडिफाइन मिलता है, जब पहली दफ़ा आप रन करते हैं ना तो ये डेटा आपको अनडिफाइन मिलता है। ठीक है, तो वो आप अनडिफाइन के ऊपर आप मैप चला रहे हैं इसलिए वो नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये समझ आई आपको बात। अब आप ज़रा ये मुझे दिखाएं, ये वाला पार्ट आप अपना दिखाएं मुझे, ज़रा जाएँ ज़रा वहाँ पे जहाँ डेटा आपके पास आता है, ये इस जगह से कंसोल हटा दें डेटा का, ये ऊपर लगाना था आपने, इस जगह से कट कर लें इसको, ऊपर जाएँ नहीं ये तो चेंज कर दिया आपने, ऊपर जाएँ जहाँ पे API कॉल लगाते हैं वहाँ पे जाएँ। हाँ, ये जो आपने सेट डेटा किया हुआ है ये हाँ, ये सेट डेटा से पहले कंसोल डॉट लॉग लगाएं और इसी चीज़ को कंसोल करें जो आपने सेट डेटा में सेट किया हुआ है, इसी चीज़ को कंसोल करें जो सेट डेटा में आपने सेट किया हुआ है। ये पहली दफ़ा में तो अनडिफाइन मिलेगा ना, शुरू में कहाँ से कुछ आएगा, वो जब आप सिटी लिख के एंटर करेंगे तो आपको डेटा मिलेगा फिर। ठीक है, सेव करें इसको, आप जल्दी से सिटी का नाम लिख के एंटर करें। हाँ
ये आ गया। अच्छा ये एरे आ तो रहा है, खोलिएगा इसको ज़रा एरे को, सेकंड वाला जो है। हाँ इसको और एक बार अंदर वाले बीच वाला खोलिएगा, कोई 1 2 3 में से कोई एक खोलिएगा। अच्छा अब ज़रा वापस अपने कोड में आए, वापस अपने कोड में आ जाए यार। ये तो सही है बिल्कुल, एरे तो आ रहा है। नीचे स्क्रॉल करें ज़रा, जाएं नीचे थोड़ा थोड़ा करके। बाकी सब कुछ चल रहा है, जब उधर करें तो ऐसे आ जाता है। फॉर्म को कोलैप्स कर देना, फॉर्म को कोलैप्स कर देना। सर अच्छा ओपन करें ज़रा इसको दोबारा से, जो कोड आप बता रहे थे वो ओपन करने से सब चला जाता है। कर्ली ब्रैकेट भी हटाएंगे, कर्ली ब्रैकेट डबल डबल हो गई, ऊपर भी हो गई डबल। अच्छा सही है, शुरू में तो कुछ नहीं होगा तो चलना ही नहीं चाहिए इसको। ये आ तो गया, सही तो चल रहा है, कोई मसला तो है ही नहीं इसमें। सर ये देखिए हो गया मसला, रिफ्रेश करें इसको दोबारा। ये कंसोल को क्लियर करें, कंसोल पे कोई एरर आ गया। कंसोल को हाँ रिफ्रेश करें, अब चलाएं ज़रा इसको, दिखाएं क्या बता रहा है ये। अच्छा डेटा डॉट मैप इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा मुझे डेटा में इनिशियल वैल्यू आपने क्या दी है वो दिखाइएगा ज़रा। इनिशियल वैल्यू आपने एम्प्टी एरे इसके अंदर देना था, आपने एम्प्टी एरे दिया है क्या दिया है? टॉप पे चलें जहाँ पे आपने ये डेटा डिक्लेयर किया हुआ है, डेटा के नाम का वेरिएबल जहाँ पे आपने बनाया हुआ है वहाँ पे जाएं। ये देखिए ना आपने गलत किया ना, लाइन नंबर 6 में आपने इसको एम्प्टी एरे देना था शुरू में, आपने गलत लिखा हुआ है इधर। ठीक है अभी आपका मसला हल हो गया, सेट हो गया ये बिल्कुल। शुरू में क्योंकि वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर डॉट मैप उसको मिलता ही नहीं है। सर यहाँ पे एरे क्यों देते हैं, यहाँ तो ऑब्जेक्ट आता है ना हमारे पास। ऑब्जेक्ट क्यों आता है वहाँ पे, ऐसा क्यों लगा आपको? देखें असल में वहाँ पे ना हम वो चीज़ देते हैं जो इनिशियल वैल्यू हमें देनी होती है ना वो हम देते हैं वहाँ पे। अगर हमें शुरू में ऑब्जेक्ट चाहिए इनिशियल वैल्यू तो हम ऑब्जेक्ट देते हैं। हमारे केस में एरे है वो, उसमें जो चीज़ आएगी वो एरे होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको इनिशियल वैल्यू भी एरे दी है, ताकि अगर शुरू में जब खाली होता है एरे तो उस पर मैप चलेगा तो 0 टाइम्स चलेगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो हो रहा यह था कि शुरू में वो था स्ट्रिंग, अब जब तक एपीआई से डेटा नहीं आता उसमें क्या वेरिएबल में पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। तो वो कह रहा था कि स्ट्रिंग के ऊपर आप मैप चला ही नहीं सकते। तो उसमें वेरिएबल जब भी हम कोई बनाते हैं ना, वेरिएबल जब भी हम कोई बनाते हैं तो उसको कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, सही है। और वो वैल्यू क्या होती है उसकी, इनिशियल वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा लेट ए इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये मैंने 5 उसको क्यों दिया है, क्या मैं इसकी जगह पे मैं ऑब्जेक्ट दूंगा, हमेशा ऑब्जेक्ट दूंगा? नहीं, मेरी ज़रूरत है यहाँ पे 5 चाहिए मुझे, या मेरी ज़रूरत है मुझे एरे चाहिए एम्प्टी, तो मैं एरे दूंगा फिर उसको। इसी तरीके से इनिशियल वैल्यू में ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ऑब्जेक्ट दें, आप उसमें कोई भी डेटा दे सकते हैं आपकी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है जी। ये सब लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा अब हम आ जाते हैं हमारे कोड की तरफ, और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, ज़रा मैं इसको कोड को जूम आउट कर लूँ। अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि वेरिएबल कैसे बनते हैं, स्टेट वेरिएबल कैसे बनते हैं कंपोनेंट के अंदर। फिर हमने ये देखा कि यूज़ इफ़ेक्ट कैसे काम करता है। मिसाल के तौर पे हमारा पेज लोड होते ही या हमारी ऐप लोड होते ही हमें कोई काम करवाना है तो हम यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर करवा रहे होते हैं। अच्छा फिर हमने ये देखा कि जो रिएक्ट की वेदर ऐप हमने एक छोटी सी बनाकर देखी, उसमें हमने क्या किया कि एक बटन के क्लिक पे एपीआई कॉल करवा के डेटा को डिस्प्ले करवाया, ये सब कुछ कर लिया। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने देखा कि राउटिंग कैसे होती है, ठीक है। हमने राउटिंग करवा के देखी, मिसाल के तौर पे हमने क्या किया कि दो तीन पेजेस बना के और उस पर राउटिंग परफॉर्म की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रिएक्ट की ऐप के अंदर राउटिंग करवाना। अच्छा अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि देखो ये जो वेरिएबल है ना, स्टेट वेरिएबल, ये सिर्फ इस कंपोनेंट के अंदर मिलता है, इस कंपोनेंट से बाहर ये आपको नहीं मिलता है, ठीक है।
ये स्टेट वेरिएबल जो है सिर्फ इसी कंपोनेंट में होता है, ये आपको किसी और कंपोनेंट के अंदर नहीं मिलता है। हमें अब एक ऐसा स्टेट वेरिएबल चाहिए जो तमाम कंपोनेंट में अवेलेबल हो, ठीक है। हमें एक ऐसा स्टेट वेरिएबल चाहिए जो तमाम कंपोनेंट में अवेलेबल हो, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? उसको बनाने का तरीका है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, आज हम पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, राइट। और मैंने कल वाला जो कोड था उसी की एक कॉपी बना ली है, और हम अब देखते हैं कि भाई कॉन्टेक्स्ट एपीआई कैसे लगता है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल ऐसा ही एक स्टेट वेरिएबल है, लेकिन वो ऐसा स्टेट वेरिएबल है जो पूरी ऐप में आपको अवेलेबल मिलता है। आप पूरी ऐप के अंदर रहते हुए कहीं पे भी उसको आप कॉल करेंगे या कहीं पे भी उसके अंदर वैल्यू सेट करवाएंगे तो वो काम करता है, और बिल्कुल सही काम करता है, ठीक है जी। तो ये कॉपी बन चुकी है मेरी, और मैंने कहा कि 8 कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई मैंने इसका नाम रखा। अच्छा, तो अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा, एक आर्टिकल है चुन्ना मुन्ना सा छोटा सा, जिसका मैं आपसे लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ये है वो आर्टिकल, इसका मैंने आपको यहाँ गूगल मीट पे लिंक भी शेयर कर दी है। आप में से कोई प्लीज़ इसको जो है वो फेसबुक के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट, या रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या कहलाता है? कॉन्टेक्स्ट वैसे तो रिएक्ट के अंदर होता है, लेकिन कौन मुझे आप में से ये बताएगा कि अंग्रेज़ी में कॉन्टेक्स्ट किस चीज़ को कहते हैं? कोई बता सकता है ये कि अंग्रेज़ी में कॉन्टेक्स्ट हम किस चीज़ को कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट जो है वो किसी बात का पस मंजर, यानी क्या बैकग्राउंड चल रहा है, किस हाँ तनाजुर में बात हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं पूछूं किसी से कि यार कराची का वेदर क्या है, तो वो जवाब देता है 30 डिग्री सेल्सियस और ड्राई। अब मैं पूछूं कोयटा का, तो अब मैंने सिटी नहीं बताया और ना ये पूछा कि मुझे वेदर चाहिए, फिट सिटी बताया और ये नहीं पूछा वेदर चाहिए, लेकिन वो समझ गया कि ये वेदर ही पूछे हैं तो वो कोयटा का बता देगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमारी मौजूदा हालात, जो भी करंट अफेयर चल रहा है उसकी नॉलेज होना, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। और बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि अगर हम किसी बंदे से, मैं किसी बंदे से पूछता हूँ कि यार अभी क्या टेम्परेचर है, तो क्योंकि हम कराची में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये है, मैंने कराची का नाम नहीं लिया, लेकिन कराची क्योंकि मेरे कॉन्टेक्स्ट में, मैं वहीं बैठा हूँ, तो मैं पूछूंगा अगर कि क्या टेम्परेचर है, तो उसका मतलब मैं कराची के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, ठीक है। या मिसाल के तौर पर कोई अगर खाने की बात हो रही है, खाना बड़ा अच्छा था, ठीक है, तो अभी कौन से खाने की बात हो रही है कि खाना बड़ा अच्छा था? तो या तो जो खाना खाने वाले अफराद हैं वो कहीं शादी से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि शादी में जो खाना खाया वो बहुत अच्छा था, या अगर जो हैं जो लोग बात कर रहे हैं, अगर वो कहीं पे मज़ार वगैरह पे मौजूद हैं तो शायद वो मज़ार के लंगर के खाने की बात हो रही है, ठीक है, जो उनको बहुत अच्छा लगा है। तो ये कौन से खाने की बात हो रही है? तो ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, ये बात मुँह से बोली नहीं जा रही लेकिन ये माहौल में मौजूद है। अच्छा, तो इसी तरीके से जैसे अभी हम क्लास में मौजूद हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूँगा ना कि कल हम ये बात, हम कल मैं ये चेक करूँगा, नेक्स्ट क्लास में हम ये चेक करूँगा, तो मैं आपको डेट नहीं बता रहा कि फ़लाँ फ़लाँ तारीख को मैं ये चेक करूँगा, लेकिन आपको पता है कि नेक्स्ट क्लास कौन सी तारीख को है, ठीक है, आपको ये ऑलरेडी पता है क्योंकि आज की तारीख आपको पता है, और मैं आज की डेट में खड़ा होकर आपको कह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे ये बात चेक करूँगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट कहलाता है कि अभी जो भी बात हो रही है ना वो आपको पता होना। अच्छा, कुछ बंदे होते हैं उनका साबुन स्लो होता है, वो कॉन्टेक्स्ट पकड़ ही नहीं पाते, उनको बहुत समझाना पड़ता है फिर, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो फिर हम उनको क्या कहते हैं कि भाई आप होश में हैं या पापोश में हैं, ठीक है। तो ये वाला चक्कर है। तो रिएक्ट की एप्लीकेशन में भी मिसाल के तौर पे चार दोस्त बैठे हुए हैं ना आप, और चार दोस्त बैठ के आप किसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, और अचानक आपने एक बंदे से पूछा तो उसने कहा हैं क्या पूछ रहे हो, क्या बात कर रहे थे तुम लोग, मुझे तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है ना, इसमें भी 4, 5, 10, 12 कंपोनेंट होते हैं। देखो अभी तक कितने कंपोनेंट हमने बना लिए हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो वेब के फोल्डर में गया मैं, और मैं एसआरसी में गया, और मैं कंपोनेंट्स में गया, तो
तो देखो, एक दो तीन चार पाँच छः कंपोनेंट तो ये सामने खड़े हुए हैं। एक मेरी ऐप का कंपोनेंट है, सात कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और इसके अंदर छोटे छोटे मज़ीद और भी होंगे, तो 10 12 15 कंपोनेंट आपस में बात करेंगे जब, सही है, मिल के जब काम करेंगे, तो इनको इनके लिए ज़रूरी है कि एक कॉन्टेक्स्ट ऐसा हो कि जब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से बात करें ना, तो कहीं पे एक स्टोरेज में बात सेव हो, कॉन्टेक्स्ट हमारा सेव हो, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने जिक्र किया, कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट एक स्टेट वेरिएबल है जो कि तमाम कंपोनेंट्स के अंदर अवेलेबल होता है, सही है। एक ही स्टेट वेरिएबल होता है जो तमाम जगह पे मिल रहा होता है। अदरवाइज़ जो हम यूज़ स्टेट से बना रहे होते हैं कंपोनेंट के अंदर, वो सिर्फ उसी कंपोनेंट में होता है, वो कहीं और आपको अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा भाई जी, रिएक्ट जे एस इज़ नोन फॉर इट्स वन वे डेटा फ्लो। डेटा कैन बी ड्रिल्ड डाउन फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड एंड देन ड्रिल्ड टू द चाइल्ड, एंड दैट्स वेरी गुड बिकॉज व्हेन एवरी कंपोनेंट हैज़ इट्स ओन आइसोलेटेड स्टेट, एज सून एज दैट कंपोनेंट अनलोड फ्रॉम द व्यू, इट्स स्टेट ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द रैम मेमरी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे लिखा गया कि भाई एक कंपोनेंट को डेटा प्रोवाइड करने का जो तरीका है वो क्या है, वो ये है कि उसको प्रॉप्स के ज़रिए डेटा पास किया जाए, ठीक है। अच्छा, प्रॉप्स के ज़रिए उसको डेटा पास किया गया। अब मिसाल के तौर पे सीन ये हुआ कि उसके अंदर फिर एक और कंपोनेंट है और उसको वो डेटा पास करना है, तो फिर उसमें भी प्रॉप्स के ज़रिए मैं दूंगा। तो प्रॉप्स के ज़रिए एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पूरा ड्रिल होता है, अंदर तक जाता है प्रॉप के ज़रिए डेटा। तो ये हुआ करता था दो पुराना तरीका जो रिएक्ट के अंदर। अच्छा, और इसके लिए बनते थे स्टेट वो वाले जो कंपोनेंट के अंदर स्टेट वेरिएबल है वो बनते हैं। अच्छा, कंपोनेंट के अंदर जो स्टेट वेरिएबल बनते हैं उनका बेनिफिट क्या होता है? उनका बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही आप उस पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे आप देखें ये वेदर वाले कंपोनेंट में अगर मैं जाऊँ होम पे, ठीक है, तो इसमें देखो दो स्टेट वेरिएबल बने हुए हैं। अब मैं अगर अपने ब्राउज़र पे जाके, कहाँ गया वो, अच्छा मैंने रन नहीं किया हुआ उसको ना, रन कर लेता हूँ। ये मैंने एन पी एम स्टार्ट चला दिया उसके ऊपर, ठीक है, ताकि ये चल के सामने आ जाए। अच्छा, जब तक मैं होम पे था मैंने कराची लिखा, एंटर किया और ये डेटा सामने मेरे आ गया। अच्छा, ये डेटा मेरे सामने आ गया। अब ये जो डेटा है ये कौन से वेरिएबल में सेव है? ये इन दोनों वेरिएबल में सेव है ना, जो होम के ऊपर वेरिएबल मेरे बने हुए हैं, सही है, सिटी नेम और जो एपीआई से डेटा आता है वो डेटा। अब मिसाल के तौर पे जैसे ही मैं मूव करके अबाउट के कंपोनेंट में जाता हूँ, तो वो कंपोनेंट जो पहले वाला था ना वो ख़त्म हो गया, वापस जाऊँगा वहाँ कुछ भी नहीं है, देख रहे हो, ख़त्म हो गया वो। अच्छा, तो जब वो कंपोनेंट ख़त्म हुआ तो साथ साथ ये वेरिएबल भी मेमोरी से खाली हो गए, मेमोरी में जो जगह है इसने कैप्चर की हुई थी वो ख़त्म हो गई, खाली हो गई वो। ये बात तो ये बहुत अच्छी है, ठीक है, कि एफिशिएंट है ना, मतलब एक पेज पे जितना बड़ा भी पेज मैं लोड कर दूँ, जब उस पेज को मैं छोड़ूंगा तो वो सब ख़त्म हो जाएगा, मेमोरी में कुछ भी जगह नहीं लेगा वो। अच्छा, वेरी कूल, ये तो बात बहुत अच्छी है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू वॉन्ट टू स्टोर डेटा इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन वेयर यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ योर ऐप। कह रहे हैं कि सम टाइम आपको ऐसी जगह पे रखना, ऐसा डेटा आपको चाहिए होता है कि जिसको आप पूरी ऐप में कहीं भी मौजूद हो आप उसको एक्सेस कर सकें। एंड हेयर द कॉन्टेक्स्ट कम्स इन टू द सीन। और इस पॉइंट पे ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना ये कहानी में शामिल हो जाता है। अब ये टी एल डी आर है, एक लंबी कहानी है कि भाई क्या चक्कर है ये, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट अ वेरी गुड नेम बट आई वुड से, ये आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। टी एल डी आर का मतलब होता है टू लॉन्ग टू लेजी डोंट रीड, ऐसे करके होता है। अच्छा, वाई दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल क्यों लिखा गया ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि 24 सितंबर 2021 को आई एम टीचिंग अ क्लास ऑन वेब डेवलपमेंट। तो ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी इसलिए ये आर्टिकल लिखा गया, ताकि यानी जिस वक्त ये आर्टिकल लिखा गया था उस वक्त ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कोई भी नहीं थी कॉन्टेक्स्ट एपीआई की, तो इस वजह से ये जो है
लिखा गया। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन थी ना, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला गया है। वो क्लास कंपोनेंट के साथ बना हुआ था, जो कि पुराने हो चुके हैं, क्लास कंपोनेंट ख़त्म हो चुके हैं, तो 2021 तक ये अपडेट नहीं हुआ था। होपफुली अब तक अपडेट हो गया हो, देख भी लेते हैं। बाय द वे मैं लिखता हूँ कि रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंटर। अच्छा, एक चीज़ पूछनी थी जी, ये डाटा जो का फ्लो या जो भी कहने पेरेंट टू चाइल्ड होता है, तो ये प्रॉप्स के थ्रू होता है रिएक्ट में ना? हाँ, लेकिन चाइल्ड से अभी भी क्लास कंपोनेंट के जरिए हुआ है, यूज होता है क्या? नहीं, अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई तो कहीं से भी कहीं भी ले जाओ ना आप डेटा को। नहीं, मैं प्रॉप्स का के इनवर्स उसकी बात कर रहा था कि पेरेंट टू चाइल्ड प्रॉप्स के थ्रू होता है। नहीं, प्रॉप्स के जरिए आप वापस नहीं भेज सकते, सिर्फ पेरेंट से चाइल्ड में जाएगा, चाइल्ड से वापस पेरेंट में प्रॉप्स के जरिए नहीं आ सकता। इसमें इनिट होता है क्या? इनिट नहीं होता। तो फिर किसने किसके जरिए चाइल्ड से पेरेंट में अगर भेजना हो? देखिए, असल में बिल्ट इन तरीका जो है ना, वो तो रिएक्ट के अंदर कोई नहीं है ये काम करवाने का जो आप कह रहे हैं ना इमिट। अब उसके लिए ना लोग दो तरीके इख्तियार करते हैं। नंबर एक है रिडक्स, रिडक्स के अंदर वो होता है इमिट जो आप कह रहे हैं ना, इमिट होता है जो रिडक्स में होता है वो, ठीक है। अच्छा, और आपका जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है ना, उसमें भी मोर और लेस वही सेम काम हो रहा होता है रिडक्स में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेंशन भी हुआ है कि वाई कॉन्टेक्स्ट एपीआई, हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लोग चाइल्ड से वापस पेरेंट में अगर डेटा भेजना होता है, तो लोग दो चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो रिडक्स या तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट है कि भाई कॉन्टेक्स्ट एपीआई ही क्यों, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई इस वजह से कि भाई जिस बंदे ने लिखा है ना रिडक्स, जो रिडक्स जिस बंदे ने लिखा है वो कौन है, ये ली ब्रैंडी जो भी नाम है इसका, ठीक है। तो इसी बंदे ने ही जो है, ये आप देख रहे हैं ये कौन सा वाला है, ये देखें आप, ये वही बंदा है जिसने जो है ना रिएक्ट लिखी है, और ये दो बंदे हैं, ये ए सी डी लाइट और गैगरेन, ये पता नहीं क्या नाम है इसका, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल ऑथर ऑफ रिडक्स, ये दो बंदे हैं ओरिजिनल ऑथर, ये दोनों सही है, ये दो बंदे हैं। अब इनमें पता नहीं कौन सा वाला आ रहा है यार, एंड्रयू डैन एबनव, इसमें तो है ही नहीं डैन एबनव, या कोई गलती हो गई है इसमें शायद, ठीक है। ये ओरिजिनल ऑथर जो है ना, ये इसी को ही फेसबुक ने हायर करके ना, अब ये प्रॉपर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये अभी तो मैं असल में पढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ फोटो देख रहा हूँ, तो शायद ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो पता ये चला कि इन्होंने ना 2016 में ये रिडक्स को छोड़ के आ गए थे फेसबुक के पास, और इन्होंने ही लिखी है ये एपीआई भी, जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है ना वो इन्होंने ही लिखी है, जो ओरिजिनल ऑथर थे ना रिडक्स के। तो उन्होंने जाहिर है सेकंड टाइम एक ही काम कर रहे हैं, तो बेहतर किया होगा पहले से। अच्छा, तो बस यहाँ से अब कोडिंग स्टार्ट हो गई आगे, तो अब ज़रा कोडिंग देख लेते हैं कि कोडिंग में क्या चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी context.js के नाम से, ठीक है। context.js के नाम से आप कहाँ पे फाइल बनाएंगे, src के फोल्डर में। अब ये कौन है भाई, अब्दुल रहीम, पता नहीं कौन है। अच्छा, सर फाइल js के नाम से बना रहे हैं, jsx के नाम से बना JS के नाम से बना लें, JSX बना लें, एक ही बात है। असल में इसमें कोई वो नहीं लिखी हुई ना, इसमें असल में कोई JSX नहीं लिखी हुई, इसलिए इसको JS के नाम से बना लें। अगर JSX बनाना है तो JSX बना लें, एक ही बात है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई JSX है नहीं, और ये इतना ही होगा जितना ये है ना, इतना ही होगा। ये बॉयलर प्लेट कोड है, हमेशा आपको इसी तरह लिखना है इसको, ठीक है, हमेशा आपको ऐसे ही लिखना है इसको, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई context.js, ठीक है, context.js आया, और इसमें मैंने पेस्ट कर दिया ये पूरा का पूरा। अच्छा, अब ये कह रहा है, अरे ये क्या सीन है। अच्छा, ये सिंगल कोटेशन जो है ना, इसको ये समझ में नहीं आ रहा, ये कॉपी किया ना मैंने यहाँ से, ये सिंगल कोटेशन जो है ना गलत कॉपी कर लिया इसने, ये सिंगल कोटेशन जहाँ जाए मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, डबल कोटेशन भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी,
अच्छा तो ये मैंने कर लिया। यार ये इनिशियल वैल्यू की जगह पे ये डेटा नहीं देना है मुझे। अच्छा सही है, वेल कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस मैंने ये क्रिएट कर लिया। उसके बाद रिड्यूसर डॉट जे एस के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट करनी है इसी जगह पे, इसी लेवल पे, रिड्यूसर डॉट जे एस के नाम से। अच्छा रिड्यूसर डॉट जे एस में मैंने क्या कर देना है, ये तमाम का तमाम कोड यहाँ से उठा के मैंने पेस्ट कर देना है। अब ये कोड हम समझेंगे भी एक एक करके कि ये क्या, ये काम कैसे कर रहा है और ये चल कैसे रहा है, क्या चक्कर है ये सारा, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या करना है, ये जो दोनों, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट ना तैयार हो गया बन के ये दो फाइलों के अंदर, अब इसको मैंने कनेक्ट करना है अपनी ऐप के साथ, ठीक है। मैं इसको अपनी ऐप के साथ कैसे कनेक्ट करूँगा, जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के नाम से जो फाइल है ना उसको मैं कॉपी करके कहाँ लाऊंगा, अपने इंडेक्स डॉट जे एस में इम्पोर्ट करूँगा मैं उसको। इंडेक्स डॉट जे एस में चलते हैं जी हम, इंडेक्स डॉट जे एस में मैंने इसको इम्पोर्ट किया कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को, और इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को मैंने कहाँ लगा देना है, ऐप के सराउंडिंग में इसको मैंने लगा देना है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर ऐसे करके, तो मैंने ऐप के सराउंडिंग में इसको ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट मेरा यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अभी इसमें एक एरर आ रहा है, वो क्या एरर है भाई देख लेते हैं। SRC लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 एक मिनट में थोड़ा सा इसको पुराना वाला करने लगा हूं। अच्छा इसको ये फाइल मिल ही नहीं रही है, ओके गॉट इट, ओके गॉट इट। ये असल में जो इंपोर्ट हो रहा है ना ये थोड़ा गलत जगह से हो रहा है, तो मैं इसको डॉट स्लैश, ये असल में फ़ाइल का पाथ ना गलत डला हुआ था, तो मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट, सही है। अब ये फ़ाइल का पाथ हो गया सही, अभी भी एरर दे रहा है, ये क्या बकवास है यार। ओके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो रिड्यूसर का जो डला हुआ है ना ये भी गलत डला हुआ है, डॉट स्लैश रिड्यूसर, ठीक है। हाँ अब सही हो गया, ये दोनों पाथ ना असल में आर्टिकल से मैंने एज इट इज़ कॉपी किया था, तो इसलिए वो क्या हो गया, वो गड़बड़ हो गया था थोड़ा। अच्छा तो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है ना बन भी गया है और मेरे ऐप के साथ कनेक्ट भी हो चुका है। मैंने कितनी नई फाइलें क्रिएट की हैं, एक कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस और एक रिड्यूसर डॉट जे एस, ठीक है। अच्छा अब ज़रा ऐप को हम चला के देख लेते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं आया अभी तक, एक दफ़ा यहाँ पर आके देख लेते हैं, ठीक है जी। किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया, मेरी ऐप बिल्कुल सही चल रही है। अब हम क्या करते हैं, अब जाके हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो ये कॉन्टेक्स्ट और रिड्यूसर है ये काम कैसे कर रहा है। अच्छा ये जो मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो ये डेटा है, ये जो डेटा है ना इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे आप, दिस इज़ इनिशियल वैल्यू। मिसाल के तौर पे देखो इसमें ना अभी इस वक्त दो चीज़ें लिखी हुई हैं, नंबर एक यूज़र, जाहिर है जो यूज़र लॉगिन होगा उसका उसका जो नेम ईमेल और उसका जो तस्वीर वगैरह वो सारी चीज़ें वो मुझे किसी ऐसे स्टेट वेरिएबल में सेव करवानी है ना जो पूरी ऐप में मुझे अवेलेबल हो। ऐसा तो नहीं होगा एक कंपोनेंट में मंगवाया वो कंपोनेंट ख़त्म तो वो सब ख़त्म, फिर दोबारा क्या लॉगिन करेगा वो। तो एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसके अंदर, राइट, ठीक है। दूसरा ये है कि डार्क थीम इसमें लगी हुई है ट्रू, कि डार्क थीम अगर ट्रू है तो पूरी ऐप में उसको पता चलना चाहिए हर जगह पे कि भाई डार्क थीम ट्रू है। अगर एक एक मैं कंपोनेंट में अलग अलग करने लग जाऊंगा फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये मेरे पास डेटा यहाँ पे अवेलेबल आ गया, ठीक है, ये डेटा यहाँ पे मौजूद है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, ये डेटा यहाँ पे बन तो गया, अब इस डेटा को मैं अपने कंपोनेंट में किसी भी दूसरे कंपोनेंट में एक्सेस कैसे करूँगा वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे एक्सेस होगा वो। अच्छा ऐसे करके ये इम्पोर्ट होगा, ठीक है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। मैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर चला जाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं चला जाता हूँ अबाउट के कंपोनेंट में, राइट, ये मैं अबाउट के कंपोनेंट में आ गया और अबाउट के कंपोनेंट के अंदर ये होम क्यों लिखा हुआ है। अच्छा ये रिएक्ट अपना रिडक्स और
कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये स्मॉल एप्लीकेशन और लार्ज एप्लीकेशन के का डिफरेंस है इसमें। स्मॉल एप्लीकेशन और लार्ज एप्लीकेशन में क्या फर्क है? कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है स्मॉल एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट है। नहीं नहीं, और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो लार्ज के लिए नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है क्यों, वजह? लार्ज एप्लीकेशन में ऐसा क्या हो जाता है जो इससे हो नहीं सकता? मेरे ख्याल में शायद जो क्योंकि नेस्टिंग का वो है कि डीपली नेस्टिंग कुछ रिडक्स के अंदर इस तरह से है कि डाटा नेस्टेड वैल्यूज वगैरह का कुछ है। बस बारह मुझे इतना नहीं पता इसमें रिएक्ट। अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ ये चक्कर क्या है। असल में ये जैसे मैंने कंपोनेंट में इसको निकाला ना, ये कंपोनेंट में मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। वेल अभी ये प्री मेचर है थोड़ी बात, लेकिन ये मैं चाह रहा था कि पूरा कंप्लीट करके बताऊँ, लेकिन आपने बात पूछ ली है तो बता देता हूँ। असल में होता क्या है कि जब भी ये कंपोनेंट जो है ना री रेंडर होता है ना, सॉरी जब भी इस स्टेट में कोई चीज़ चेंज आती है, ये आपका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये जो डेटा है, इसमें जब भी कोई चेंज आता है तो ये जिस जिस कंपोनेंट में ये लगा हुआ है ना, वो सारे कंपोनेंट री रेंडर होते हैं दोबारा से। समझ रहे हैं बात? ये आप ये सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, री रेंडर होते हैं दोबारा से। तो पहली बात तो ये कि इस स्टेट में ना इतनी आसानी से चेंज आता नहीं है। मिसाल के तौर पर डार्क थीम अगर बंदे ने चेंज की है, डार्क को लाइट किया है अगर थीम को, तो सारे कंपोनेंट री रेंडर होने ही चाहिए असूलन। ठीक है, अगर यूज़र के ऑब्जेक्ट में कोई चेंज आया है, यानी यूज़र अगर लॉगआउट हो गया, तो जाहिर है ये ऑब्जेक्ट को फिर खाली करवाना पड़ेगा, तो सारे कंपोनेंट री रेंडर होने ही चाहिए असूलन। ठीक हो गया। अच्छा फिर दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कॉन्टेक्स्ट में काम करें, आप एक से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। तो ऐसा डेटा जो बार बार चेंज होता है, उसके लिए आप दो कॉन्टेक्स्ट भी बना सकते हैं, तीन कॉन्टेक्स्ट भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो जो ऐसा डेटा है जो बहुत कम चेंज होता है, उसको आप एक अलग कॉन्टेक्स्ट में रखें। ऐसा डेटा जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, उसको आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है, दो तीन कॉन्टेक्स्ट भी हो सकते हैं आपके पास। ये असल में लोगों को पता नहीं है अभी, क्योंकि ना रिएक्ट ने अभी अच्छी तरह इसको मार्केटिंग की है इसकी, और शायद इसमें कुछ चीज़ें उनको लगता है कि अभी कंप्लीट नहीं है। दो तीन फाइलें बनानी पड़ेंगी। हाँ, फिर ये जितने कॉन्टेक्स्ट बनेंगे ना, उतने कॉन्टेक्स्ट की फाइल बनेगी। ये context.ts अभी एक ही फाइल है ना, दो तीन चार जितने बनाते जाएंगे वो बनती जाएगी। वो मैं कवर नहीं कर रहा वायरल इस क्लास में अभी, क्योंकि इस क्लास में हम इतने बड़े लेवल की एप्लीकेशन नहीं बनाने वाले। ठीक है, तो जो हम इस क्लास में बनाएंगे उसमें ये काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा, बल्कि बहुत अच्छा क्या, ये दौड़ेगा उसके अंदर। जो बहुत बड़े एप्लीकेशन की बात होती है ना जब, तो वो होता है कि यार एक ही पेज के ऊपर 400 कंपोनेंट रेंडर हुए हैं एक ही पेज के ऊपर। ठीक है, जैसे YouTube का एनालिटिक्स का पेज है, जो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का पेज है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ रेंडर हुए हैं। तो उस तरह के पेजेस पे फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम उसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कसूर नहीं है, उसमें उसको बनाने वाले का कसूर है कि उसने कॉन्फ़िगर उसको कैसे किया है। अगर आपने एक ही कॉन्टेक्स्ट बनाया है बहुत बड़ा सा, तो जाहिर है उसमें अगर 100 वैल्यूज़ हैं, तो 100 में से कोई एक भी चेंज होगी ना, तो तमाम कंपोनेंट को वो री रेंडर करेगा। लेकिन ऑन अदर हैंड क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे दो रखा, एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट बना लिया, उसमें मैंने जो फ्रीक्वेंट चेंज होने वाली वैल्यूज थी वो वहाँ पे रख दी मैंने, तो क्या होगा, वो अलग कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। जाहिर है ये तो सब जगह यूज़ हो रहा है, लेकिन वो फ्रीक्वेंट चेंज होने वाली वो सब जगह यूज़ नहीं होगी। तो जब वो फ्रीक्वेंट चेंज होने वाले डेटा में जब चेंज आएगा, तो वो सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट को री रेंडर करेगा जहाँ पे वो इम्पोर्ट हुआ हुआ होगा, वो तमाम को नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ रिडक्स में नहीं है? रिडक्स में तो ये चीज़ है ही नहीं, रिडक्स में तो पूरा सिस्टम ही अलग है उसमें। रिडक्स का तो डेटा, जैसे मैंने आपको बहुत सिंपल करके बताया ना कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है वो क्या है, वो एक स्टेट वेरिएबल है, एक ऐसा स्टेट वेरिएबल है जो तमाम कंपोनेंट में अवेलेबल होता है, हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है, आप करवाना चाहें तो हो जाता है। लेकिन रिडक्स का सीन है उल्टा, कुछ और सीन है उसका। ठीक है, वो है डेटा स्टोर, वो प्योरली डेटा स्टोर है। तो अब मैं रिडक्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि रिडक्स हो गई है पुरानी चीज़, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी, जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि रिएक्ट का अपना है ये, इसके लिए कोई लाइब्रेरी भी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती अलग से, तो जाहिर है रिएक्ट का जब अपना है ये, तो जैसे आप लगाए ना एक्सियोस और फेच है, अब एक्सियोस में क्या कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही है वो, लेकिन फेच लोग यूज़ कर रहे हैं अब ज़्यादा, क्योंकि फैच के लिए अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर नेटिव है, उसकी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा है। तो यही वाला फ़र्क इसमें भी है कि रिडक्स में कोई ऐसी बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि रिडक्स ख़राब है, आप यूज़ आपको करनी है आप करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इस्तेमाल करने में आसान है और समझने में आसान है, ठीक है, फ़ौरन समझ में आ जाता है।
तो इसलिए हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। ये जो रिएक्ट हुक्स आए थे तो हुक्स अभी तक चल रहे हैं या वो रिप्लेस हो गए? ये हुक्स ही तो हैं, ये जो हमने यूज स्टेट जो पढ़ा है, ये यूज स्टेट जो है ये हुक्स ही तो हैं। ये जिस जिस के साथ लगा हुआ ना, यूज़ इफेक्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यूज़ स्टेट, ये सब हुक्स हैं। हुक का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ जो यूआई के साथ, यूज़र इंटरफेस के साथ हुकअप हुई हुई है। कि अगर मतलब यूज़ का मतलब ये है कि जब यूआई पे कोई चेंज आएगा तो इसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। जैसे यूज़ इफेक्ट है, यूज़ इफेक्ट वाला जो है या यूज़ स्टेट की अगर हम बात करें, तो जब भी यूज़ स्टेट का वेरिएबल चेंज होता है तो पूरे कंपोनेंट को री रेंडर किया जाता है, ठीक है। तो ये हुक जो है ना, वो इसका मतलब ये होता है कि कंपोनेंट के रेंडर होने से वो हुक है हुआ हुआ है। जब वो चेंज होगा तो कंपोनेंट को दोबारा रेंडर किया जाएगा। ऑन अदर एंड अगर एक सिंपल वेरिएबल है लेट करके बना हुआ है, उस पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ हुक्स के अंदर होता है। अच्छा, अब आप देखें, ये मैंने क्या किया, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट बना हुआ था, ठीक है। ये मेरा इंडेक्स डॉट जे एस था जो मैंने कन्फिगर कर लिया इसके ऊपर। अब मैंने क्या किया, मैं अबाउट के कंपोनेंट पे आया, या आप देख रहे हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है अबाउट और इंडेक्स। अबाउट के कंपोनेंट पे आकर मैंने क्या किया, इस स्टेट को इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस स्टेट को इस्तेमाल करने की कोशिश करने के लिए मुझे ये तीन लाइनें लिखनी पड़ी यहाँ पर, ठीक है। अब देखें इसमें मुझे क्या मिला, स्टेट और डिस्पैच। क्या मिला मुझे, स्टेट और डिस्पैच, बिल्कुल यूज स्टेट के वेरिएबल की तरह मिला मुझे दो, एक रीड करने के लिए, दूसरा उसको चेंज करने के लिए। तो पहले रीड करना सीख लेते हैं, फिर चेंज करना भी सीख लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा आई एम अबाउट कंपोनेंट, और साथ में डैश लगा के मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टेट को मैंने प्रिंट करवा दिया। अच्छा, स्टेट के ऊपर, स्टेट पूरा जाहिर है एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में जाऊँ ना तो स्टेट ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो स्टेट पर डॉट लगा के मुझे यूज़र मिलेगा, स्टेट पर डॉट लगा के मुझे डार्क थीम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई मैं नंबर लगा दूँ, ठीक है, माई नम, और मैंने कहा कि 5, तो अब मुझे स्टेट पे डॉट लगा के माई नम भी मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा स्टेट पे डॉट लगा और माई नम, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, 5 प्रिंट हो जाना चाहिए अगर मेरा कोड बिल्कुल ठीक है तो। अबाउट के कंपोनेंट में गया और देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 5, ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अच्छा सर, पर ये नाम का कैसे पता चलेगा, जैसे आपने स्टेट साथ लगाया? नहीं, ये तो हमेशा, ये लाइन हमेशा सेम होगी, ये लाइन हमेशा सेम होगी, ये लाइन हमेशा सेम होगी। ये स्टेट जो है ना, ये हमेशा इसी तरह लिखोगे आप। स्टेट के ऊपर डॉट लगा के आप क्या लिखोगे, जो आपने स्टेट में या जो जो चीज़ें बनाई हुई है, ये पूरा बॉयलर प्लेट है। ये आर्टिकल जो है ना, इस आर्टिकल में जितना कोड लिखा हुआ है ये सब बॉयलर प्लेट है। बॉयलर प्लेट का मतलब ये होता है ये हमेशा इसी तरह लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैंने क्या करना है, इस नंबर को मैंने चेंज करना है, माई नम को मैंने क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक बना दूँगा बटन, एक बटन बना देता हूँ, ठीक है, ऐड मिसाल के तौर पे, और इस बटन के ऑन क्लिक पे कोई फंक्शन बना देता हूँ मैं। बटन के ऑन क्लिक पे ये फंक्शन बना दिया मैंने। मैंने कहा भाई जितनी दफ़ा भी ये बटन प्रेस हो ना, आप क्या करो, आप कॉल करो डिस्पैच। अच्छा, पहले क्या होता था कि मैं ऐसे जो सामने वाला था ना, जो स्टेट वेरिएबल के, इसको कॉल करता था, इसके अंदर एक नई वैल्यू दे देता था कि भाई मिसाल के तौर पे 5 रखवा दो उसके अंदर, सॉरी 5 तो पहले ही है ना, वो 7 रखवा दो, ठीक है। ऐसे करके मैं एक नई वैल्यू दे देता था, ठीक है, इसी तरह होता था पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा इस वजह से नहीं होगा क्योंकि अब तो ये कंपोनेंट जो है, जो इसको ये चेंज कर रहा है स्टेट को, सारे कंपोनेंट इसको चेंज कर रहे होंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं अबाउट में खड़ा हुआ हूँ, अबाउट में खड़ा होकर मैं इस कंपोनेंट को, सॉरी इस कॉन्टेक्स्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको हम ना स्टेट वेरिएबल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल। तो ये कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर खड़े होकर, तो जाहिर है दूसरे भी तो कंपोनेंट्स है ना, वहाँ से भी कोई चेंज कर सकता है। तो अब होगा क्या कि यहाँ से मैं ना वैल्यू नहीं दूंगा, यहाँ से मैं बोलूँगा डिस्पैच करो एक, कि करना क्या है, डिस्पैच ये करो करना क्या है। अच्छा, और ये डिस्पैच वाला काम जो है हैंडल कहाँ पे हो रहा होगा, ये काम हैंडल हो रहा होगा रिड्यूसर के अंदर। जैसे यहाँ पे देखो 4 डिस्पैच बने हुए हैं पहले से, तो मैं एक डिस्पैच यहाँ पे बना देता हूँ, और मैंने कहा एक डिस्पैच है ऐड, सही है, एक डिस्पैच क्या है, ऐड है। मैंने कहा पूरे स्टेट को वही रखना है,
और जो माई नम है ना उसमें क्या करवा देना है, माई नम प्लस वन करवा देना है, सही है? ओ सॉरी, स्टेट डॉट माई नम, ठीक है, प्लस वन करवा देना है। इस तरह करके होगा ये, हमेशा हर दफ़ा ऐसा ही होगा। अच्छा अब देखते हैं जाके क्या होता है। रिफ़्रेश किया मैंने, ऐड का बटन जैसे ही मैं दबाता हूँ, अरे चेंज क्यों नहीं हो रहा। ओके, वहाँ से मैंने वो डिस्पैच में नाम नहीं लिखा ना। अच्छा डिस्पैच में मैं कैसे लिखूँगा करके, वो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल के अंदर। मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। डिस्पैच देखो इस्तेमाल कैसे होगा, डिस्पैच कॉल करूँगा मैं और टाइप उसमें डालूँगा मैं, डिस्पैच का जो भी नाम है वो मैं टाइप में डाल दूँगा, ठीक है, ऐसे करके डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ बटन के क्लिक पे मैं जस्ट ये बताऊँगा कि क्या करना है, ऐड करना है। ये नहीं बता रहा मैं कि किस में करना है ऐड, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब कुछ यहाँ पे रिड्यूसर में लिखा हुआ है कि ऐड करने से ना ये काम होगा, इस तरह से ये चेंज होगा, ठीक है। आते हैं ज़रा, अब दबा के देखते हैं ये ऐड का बटन। देखो ये ऐड होना शुरू हो गया। अच्छा अब ये मैं किसी भी कंपोनेंट में चला जाऊँ, ये 19 जो लिखा हुआ है ना ये 19 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, देख रहे हो, ये चेंज नहीं होगा। अब मैं कहीं पे भी घूमता रहा हूँ ना पूरी ऐप में, वो 19 रहेगा वहाँ पे, वो ख़त्म नहीं होता। मैं दोबारा क्लिक करूँगा, देखो इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक ऐसा ग्लोबल स्टेट वेरिएबल बन गया जो क्या हो रहा है, सब जगह पे अवेलेबल है और ख़त्म नहीं होता। एक कंपोनेंट को छोड़ के जब मैं दूसरे कंपोनेंट में जाता हूँ तो वो ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अब इसी कंपोनेंट, ये इसी स्टेट वेरिएबल को अब मैं कहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ किसी दूसरे कंपोनेंट में। मिसाल के तौर पर मैं गैलरी के अंदर जाके इसको प्रिंट करवा देता हूँ। मैं गैलरी में आया, गैलरी में इंपोर्ट किया इसको, और इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, ऐसे ही इसको स्टेट बना लेना है इसका। सर ये स्टेट और एक्शन थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें रिड्यूसर के अंदर है। सही है, मैंने कहा स्टेट डॉट माई माई नम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी प्रिंट करवा दिया इसको। अब देखो होगा क्या, मैं अबाउट में खड़ा हुआ ना, 24 है इस वक्त ये, ठीक है। मैं गैलरी में जाऊँगा तो भी 24 है, मैं अबाउट में आकर उसको चेंज करूँगा, जब गैलरी में आऊँगा मुझे ये देखो चेंज हुआ हुआ मिलेगा, यानी हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है ये। अब मैं इसको यहाँ से भी चेंज करवा सकता हूँ, मिसाल के तौर पर अब मैं रिड्यूसर में आता हूँ और रिड्यूसर में आके मैं इसको क्या बोलता हूँ, रिड्यूसर में जाके मैं बोलता हूँ कि भाई अब इसमें माइनस भी तो होगा ना, ये रिड्यूसर डॉट जी एस। मैंने कहा ऐड की जगह ना अब एक और भी लगा दो, सब्ट्रैक्ट, मैंने कहा माइनस वन लगाओ इसके अंदर, जो भी है ना उसमें माइनस वन लगा दो। तो चेंज होने का जो रूल है, चेंज करने का जो फार्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा और उस फार्मूले का नाम जस्ट मैं कॉल करूँगा कि भाई ये फार्मूला करना है बटन के क्लिक पे, ठीक हो गया। अच्छा और मैं आपके क्या बोलूँगा यहाँ पे कि भाई एक बटन बनाओ, और बटन पे मैंने कहा भाई माइनस और ऑन क्लिक के ऊपर मैंने कहा कि भाई क्या कर दो, यानी अगर हमारे पास 10 पेज है और 10 तरह के उस 10 पेजों पे कंपोनेंट बने हुए हैं तो अलग अलग हमें जाकर चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक कंपोनेंट चेंज करेंगे तो 10 के 10 पेजेस को चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा भाई इस बटन के क्लिक पे ना सब्ट्रैक्ट हो जाए वो, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस, मैं दबाऊंगा देखो माइनस हो रहा है, ये माइनस में चला गया। अब मैं अबाउट में जब जाऊंगा तो ये माइनस सिक्स है, यहाँ से करूंगा तो ऐड होगा, देखो एक कंपोनेंट ऐड कर रहा है, एक कंपोनेंट उसको माइनस कर रहा है एट द सेम टाइम। अच्छा अब बाबर भाई ज़रा गौर से यहाँ पे ना समझने की बात है, देखें अब होता क्या है, जब मैं माइनस दबाता हूँ एक दफ़ा तो ये कौन कौन से कंपोनेंट को रीरेंडर करता है, जहाँ जहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है, जितने भी जगह पे ये 5 लिखा हुआ है ना उन सबको रीरेंडर करता है ये। लेकिन क्या इस वक्त कोई ऐसा कंपोनेंट स्क्रीन पे मौजूद है जिसमें ये 5 लिखा हुआ हो, इसके अलावा, इस कंपोनेंट के अलावा? नहीं नहीं, अभी तो गैलरी खुला हुआ है ना, ये गैलरी का कंपोनेंट है, ठीक है। दूसरी जगह जो प्रिंट हुआ हुआ है वो अबाउट में हुआ हुआ है, लेकिन जब मैं अबाउट से मूव करके गैलरी में आ जाता हूँ, ठीक है, तो अबाउट तो है ही नहीं, अबाउट तो रेंडर ही नहीं हुआ हुआ, तो री रेंडर क्या खाक होगा, सही है। तो अभी सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, तो वो जो बात करते हैं ना कि यार एक दफ़ा क्लिक होता है तो सब कंपोनेंट को री रेंडर करता है, वो ज़रूरी है कि एट द सेम टाइम वो सेम पेज पे मौजूद हो,
जब ही तो री रेंडर होंगे ना, जब ही तो स्लो डाउन करेगा वो। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि वो सेम पेज पर नहीं होते हैं। अगर सेम पेज पे होंगे तब तो आप प्रॉप्स के ज़रिए ही काम कर लोगे ना। वो तो मसला असल होता ही यही है कि भाई एक बिल्कुल होम का पेज है, एक बिल्कुल साइनअप का पेज है या लॉगिन का पेज है। तो वो आमतौर पे इसी जगह पे यूज़ होती है कि वो सेम टाइम पे नहीं हो रही होती। अगर आप ये करेंगे कि आपके पेज के ऊपर 6, 7 या 10 कंपोनेंट रेंडर हुए हैं और सब में आपने वो इम्पोर्ट करवा दिया और सब में फिर उसको चेंज करवा रहे हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है वो स्लो डाउन करेगा, वो तो रिडक्स में भी स्लो डाउन करेगा। उसका तो कोई हल नहीं है फिर, अगर आपने गलती खुद की हुई है तो इसका कोई हल नहीं है फिर। तो इसमें रिडक्स का कोई कसूर नहीं है और ना इसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कसूर है। आप रिडक्स को भी गलत तरीके से कन्फिगर करेंगे ना तो वो भी आपको ऐप को स्लो डाउन करेगा, लेकिन असल में उसमें उन्होंने कुछ ऐसा वैलिडेशंस लगाई हुई हैं वो आपको ना एरर दे देता है शुरू में ही। रिडक्स वो चलाने ही नहीं देता आपको, आप अगर इस तरह की कोई हरकत करें ना वो चलाने नहीं देता। तो वो चेक्स वो इसमें भी लगा देंगे थोड़े दिनों में, मोस्ट प्रोबेबली अभी तक अभी उन्होंने मार्केट जो नहीं किया ना इसको, वो इसीलिए नहीं किया शायद कि अभी वो कुछ इसमें सोच रहे हैं, मज़ीद चेक्स वगैरह लगा रहे हैं कुछ कंप्लीट, अभी शायद ये हुआ नहीं है मे बी। तो वो चेक्स जो उसमें लगते हैं वो इसमें लग जाएंगे। और असल बात ये है कि बना रहा है एक ही बंदा है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी उसी बंदे ने बनाई है जिस बंदे ने रिडक्स बनाई थी, और रिडक्स वाले को ही उसने हायर किया है फेसबुक ने। अच्छा, तो ये तो हमने एक बेसिक सी चीज़ देख ली कि भाई साहब हमारे पास क्या आ चुका है, एक ग्लोबल स्टेट आ चुका है, एक हमारे पास एक ग्लोबल स्टेट वेरिएबल आ चुका है जिसमें मैं कोई भी चीज़ सेव करवा सकता हूँ और उसको मुझे फिर मैं ले भी सकता हूँ उसको, ठीक है। उसको डायरेक्ट रीड करने के लिए, डायरेक्ट उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए स्टेट के ऊपर डॉट लगाऊंगा वो प्रिंट हो जाता है। उसको चेंज करने के लिए लेकिन मैं डिस्पैच करूंगा, ठीक है। और डिस्पैच में जैसे मैंने सब लिख के डिस्पैच किया है तो वो रिड्यूसर में चीज़ मेंशन हुई हुई है कि सब से होगा क्या, सब से क्या होगा ये होगा, ठीक है। जो भी स्टेट में वैल्यू पहले से मौजूद है वो रहेगी, और माई नम में क्या हो जाएगा, स्टेट डॉट नम में जो भी था उसमें से माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कोड आप सब लोग अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है, बगैर लिखे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, इस कोड को बहुत ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये है बॉयलर प्लेट, ये हमेशा इसी तरह लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा, अगर मिसाल के तौर पे आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये रिटर्न पे हो क्या रहा है, ये रिटर्न पे वैल्यू कैसे चेंज हो रही है स्टेट की, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो कोई मसले की बात नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये है बॉयलर प्लेट, ये हमेशा इसी तरह लिखा जाएगा। तो बजाय इसके कि आप अपने जहन पर ये जोर डालें कि ये कैसे काम कर रहा है, आपको इस चीज़ पर जोर डालना चाहिए कि इससे मैं क्या काम ले सकता हूँ, क्योंकि कोड तो मैंने लिख के दे दिया, इससे आप क्या काम ले सकते हैं। बस आपने ये लेना है काम कि मज़ीद इसमें आपने ऐड करते चले जाना है ये जो भी रिड्यूसर के फंक्शंस हैं मज़ीद, और आप उससे अपना काम करवाते रहें बस, ठीक है। तो हमें ज़ोर इस चीज़ पे देना है कि इससे हमने काम क्या लेना है, ये नहीं ज़ोर देना है कि हम ये चल कैसे रहे, ये तो चला दिया ना रिएक्ट वालों ने, चला दिया, मसला हल कर दिया आपका। हमने ये देखना है कि अब इससे काम हम क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, अब अगला काम हमने क्या करना है, बंदा लॉगिन करवाना है, राइट। बंदा लॉगिन करवा के जो उसका जो डेटा आता है बंदे का, वो हमने ग्लोबल स्टेट में सेव करवाना है, सही हो गया, समझ आ गई ये वाली बात। अब देखो, अगर मेरे पास ये ग्लोबल स्टेट नहीं होता तो मैं ये काम कैसे करता, मैं आ जाता हूँ लॉगिन के कंपोनेंट में, ये है मेरा लॉगिन का कंपोनेंट, सही हो गया। लॉगिन के कंपोनेंट के अंदर ये एक हैंडलर फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे मैं एक स्टेट वेरिएबल बना लेता ऐसे करके, ठीक है। अब स्टेट वेरिएबल तो मैंने बना लिया, मेरे पास ये जो मैंने एपीआई कॉल की वहाँ से डेटा भी आ गया, बंदे का पूरा प्रोफाइल का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया ना इस रिस्पांस के अंदर। अब मिसाल के तौर पे इस कंपोनेंट से मुझे जाना है होम के कंपोनेंट पे, अब होम के कंपोनेंट पे उस बंदे की मुझे फ़ोटो दिखानी है, वो मैं कैसे दिखाऊँगा, जब मुझे यहीं पे सेव करना पड़ेगा ना इसको, इसी पॉइंट पे मुझे उसको किसी ऐसे वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा जो वेरिएबल ख़त्म ना होता हो, वो रहे पूरी ऐप तक रहे वो, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको स्टेट वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं, ठीक है। ये सब लोगों को समझ आया होपफुली। ये जो प्लस कर रहे थे ये ज़रा मुझे बताइएगा, ये सारे पेजेस पे हो रहा था या एक ही पेज पे डिफरेंट उस पे हो रहा था? इस प्लस की बात कर रहे हैं बाबर भाई? वो जो आप क्लिक कर रहे थे ना 1 2 3 4 5 को काउंटिंग हो रही, काउंट कर रहा था अबाउट में, जो यहाँ पे कर रहा था मैं, जो ये तो डिस्पैच कर रहा है कि ऐड कर दो जाके, ये डिस्पैच, ये
तो ये क्या अगर सेम ऐसी 10 पेजेस पे कंपोनेंट है तो क्या एक कंपोनेंट पे हम चेंज करेंगे तो क्या 10 के 10 पे हो जाएगा? 10 के 10 में वो चेंज हो जाएगा, ऐसा ही है, डिफरेंट पेज हो जाए, हाँ फौरन हो जाएगा, रियल टाइम में हो जाएगा। अच्छा, और यही वजह है कि आप देखें ना, हम अभी आएंगे लॉगिन पे, ये मेरा लॉगिन का कंपोनेंट आ गया। अब लॉगिन के कंपोनेंट पे मैंने लॉगिन तो करवा दिया बंदा, लेकिन लॉगिन का कंपोनेंट मुझे छोड़ के जाना है ना, ठीक है। अब मेरे पास एक कंपोनेंट है अलग, नेव बार का कंपोनेंट है, नेव बार का कंपोनेंट हमने बनाया नहीं अलग, नेव बार का कंपोनेंट अलग कर देते हैं। अगर हम आगे ना ऐप डॉट जी एस कहाँ गया मेरा, ये नेव बार का कंपोनेंट ना, इसको हम सही कर देते हैं। हमें इस नेव बार में दिखाना है, राइट। तो इस नेव बार को ना मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। और इसका मैं बनाऊँगा एक अलग फंक्शन, फंक्शन नेव बार, ठीक है। और मैंने कहा कि क्या होगा भाई आप, ओके सॉरी, इसको ES6 का फंक्शन बनाते हैं ना, ES5 वाला क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बोला कि भाई ये बन गया नेव बार का फंक्शन मेरे पास, कॉन्स्ट बनाता हूँ बल्कि उसको, ये नेव बार का फंक्शन तैयार हो गया। और ये जो नेव बार का फंक्शन है वो कंपोनेंट है, वो मैंने कहा भाई आप हो गए इधर रेंडर, ठीक है ना। ये मैंने कंपोनेंट बना दिया इस पूरे नेव बार का, और कंपोनेंट को अलग फोल्डर में भी कर सकते हैं, अलग फोल्डर में ही करूँगा मैं उसको, अभी ना अलग फोल्डर में मैं लेके जा रहा हूँ उसको भी। अच्छा, तो अब मैंने इसको लेके कहाँ जाना है, अब मैंने इसको लेके जाना है कंपोनेंट के इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, मैं यहाँ पे बना दूँगा एक नया फोल्डर, उसका नाम रखूँगा मैं नेव बार, सही है। मैंने कहा कि भाई नेव बार एंटर, ठीक है। और मैंने अब इसको कहाँ ले जाना है, इसको उठा के मैंने इस पूरे नेव बार वाले को उठा के मैंने कट करके यहाँ से और लेके चले जाना है मैंने नेव बार के अंदर एक इंडेक्स डॉट टी एस, इंडेक्स डॉट जे एस एक्स, ठीक है। यहाँ ले जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ जैसे ही मैंने ले जाके पेस्ट किया, कह रहा है लिंक क्या चीज़ है मुझे पता ही नहीं चल रहा, तो लिंक मैंने यहाँ पे भी अब इम्पोर्ट करना होगा मुझे, ठीक है, सही है। जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही उसको हटा देता हूँ, सिर्फ लिंक को मैं रख लेता हूँ जो यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसको पता चल गया कि लिंक क्या चीज़ है, ये नेव बार का मैंने बिल्कुल अलग बना दिया। अच्छा, अब इसको और क्या नहीं पता चल रहा, एरर आ गया, हाँ एरर इसलिए आ गया नेव बार को यहाँ इम्पोर्ट नहीं किया हुआ मैंने। तो मैं क्या करूँगा, होम से सबसे पहले जो है ना नेव बार को इम्पोर्ट करूँगा मैं, ठीक है, और नेव बार फ्रॉम नेव बार, ठीक है। तो ये सारा मसला सेट हो गया, अब नेव बार की जगह पे नेव बार आ गया और नीचे उसके क्या आ गए, तमाम राउट्स आ गए। अब मुझे नेव बार के अंदर जो है ना, नेव बार के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, एक CSS भी लगा देता हूँ यहाँ पे मैं। मैंने कहा भाई इम्पोर्ट डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट CSS, जो कि अभी बनी भी नहीं है, बना लिया। हाँ जी बोले, सॉरी समझा नहीं था। अच्छा, तो इसकी जो तमाम CSS थी मेरे पास वो कहाँ पे लिखी हुई थी, सर वो लिखी हुई थी ऐप डॉट जे एस एक्स पे। तो मैं वो ऐप से उठा के ले आता हूँ अब मेरे पास, क्योंकि वो मैंने अलग बना लिया उसका, ठीक है। ये तमाम की तमाम मैंने CSS कहाँ से उठा ली, यहाँ से हटा ली, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब तो नैब का अपना है ना वो, सही है। ये मैंने इधर ले जाके पेस्ट कर दी, किधर पेस्ट कर दी, नेव बार वाले फोल्डर में पेस्ट कर दी मैंने, ठीक है। और मैंने साथ साथ क्या बोल दिया, मैंने कहा कि भाई जो डॉट नेव है ना उसको आप क्या दे दो, बैकग्राउंड कलर इसको आप दे दो ब्लैक। क्या हुआ ये, ऐप डॉट जे एस एक्स लाइन नंबर 16,
एप डॉट जे एस एक्स लाइन नंबर 16 में क्या कर दिया मैंने, कुछ भी तो नहीं किया। एस आर सी एप डॉट जे एस एक्स एप डॉट जे एस एक्स लाइन नंबर 16 कुछ भी तो नहीं किया मैंने, क्या कर दिया मैंने सर। ओके नैव बार को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ मैंने यहाँ से। सही है, नैव बार को एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ था। अच्छा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यार ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने इसमें। सर ये एक्सपोर्ट लास्ट में नहीं लिखा जाएगा? नहीं लास्ट में भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है तो मैंने ये शुरू में लिख दिया, एक दो में मैंने लास्ट में लिखा हुआ, एक दो में मैंने शुरू में लिख दिया, तो एक ही बात है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। अच्छा अब देखो ये ना बैकग्राउंड कलर आ गया नैव बार में, नैव बार में बैकग्राउंड कलर आ गया ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि नैव बार के अंदर ये मेरा जो इस कोने पे ना एक गोल सा बलून आ जाए जिसमें क्या लिखा हुआ, बंदे का नाम लिखा हुआ, या इस तरफ बंदे का नाम लिखा हुआ आ जाए। तो मैं अब उसके लिए क्या करूँगा, मैं नैव बार में आके मैं बोलूँगा भाई ये नैव बार है मेरा, ठीक है, इसके अंदर क्या बना दो, एक अदद डिफ बना दो, यहाँ पर एक अदद डिफ बना दो और उसके अंदर क्या लिख दो, ऐसे मलिक लिख दो, और इसके अंदर मैंने क्या बोल दिया, क्लास नेम और यूज़र नेम लिख दिया इसको मैंने। सही है, क्लास नेम इसका क्या बना दिया मैंने, यूज़र नेम। और मैं अब आके इसकी सीएसएस में भी बोलता हूँ कि यार जो डॉट नेव के अंदर जो डॉट यूज़र नेम है उसका कलर कर दो वाइट, क्योंकि वो वाइट ब्लैक और ब्लैक ना दोनों मिक्स हो रहा है इसलिए वो दिख रहा नहीं था। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मलिक। अब इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग वैडिंग भी दे देता हूँ, ये जो मार्जिन पैडिंग थी ना यहाँ पे इसके पास वही मैं इसको भी दे देता हूँ। मैंने कहा भाई मार्जिन पैडिंग दे दो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया मार्जिन पैडिंग। अच्छा 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 ये पता है क्या हुआ है, ये हुआ ये है कि भाई साहब ये हमारा जो नैव है ना ये फ्लैक्स बॉक्स है, और फ्लैक्स बॉक्स में ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यार, इसको तो दोनों को साइड बाय साइड आना चाहिए था, है कि नहीं, दोनों को साइड बाय साइड आना चाहिए था इसमें तो। जस्टिफाई कॉन्टेंट फ्लैक्स एंड, ओके फ्लेक्स एंड इसमें लगा हुआ है जस्टिफाई कंटेंट ना, स्पेस बिटवीन कर दें। नहीं मगर ये तो नैव के ऊपर डायरेक्ट तो नहीं लगा हुआ, ये तो यूएल पे लगा हुआ है, नैव पे डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं लगा हुआ ना। अच्छा 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 नैव पे डायरेक्ट कुछ नहीं लगा हुआ, तो नैव को भी मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा फिर ये सही होगा। ठीक है अब ये सेट हो जाना चाहिए, नैव के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स पहले ये है और फिर ये है। नैव के ऊपर जब मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दिया तब तो ये मसला मेरा हल हो जाना चाहिए। लाइन आइटम सेंटर पर डिस्प की वजह से प्रॉब्लम। एक मिनट अभी ये मैं सारा बीच वाले सीएसएस को अगर मैं थोड़ी देर के लिए रोक दूं, ये क्या बकवास है, इसको मैं उड़ा ही देता हूँ। अच्छा अब ये सही हो गया, अब ये सही हो गया कि पहले ये है फिर वो है, मतलब ये बीच वाली सी एस एस कोई पंगा कर रही है। इसके ऊपर यू एल पर डिस्प्ले फ्लैक्स लगा हुआ है, नेफ बार के अंदर जो यू एल है इस पर डिस्प्ले फ्लैक्स लगा हुआ है। ओके 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 गॉट इट, इस पे विड्थ 100% जो लगाया है ना हमने इसकी वजह से ये गड़बड़ कर रहा है। विड्थ 100% हमने नहीं लगाना है इसके ऊपर, वो तो खुद ही जस्टिफाई कंटेंट से वो लेगा ना खुद ही,
हाँ अब हुआ ना ये मसला हल हमारा, अब मसला हल हुआ हमारा ये, और अब हमें लगाना है इसके अंदर क्या कि हमें एक को भेजना है उस कोने पे, एक को भेजना है हमें इस कोने पे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लैक्स बॉक्स ऑर्डर चलते हैं, ऑर्डर वन ऑर्डर टू, नहीं ऑर्डर वन ऑर्डर टू नहीं करते हम, हमें जस्टिफाई कॉन्टेंट में होता है एक उस कोने में, हाँ स्पेस बिटवीन है, ये स्पेस बिटवीन है। तो मैंने इसको अब क्या कर देना है, ये ऊपर वाले को मैंने कहना है कि जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो ये हमारा मसला सेट हो जाएगा इससे, ठीक है, हमारा मसला ही सेट हो गया। अब ये तो मैंने सीएसएस के पंगों में फंस गया था मैं ये सीएसएस के पंगों में मैं फंस गया था। तो अब हम ज़रा ये देख लेते हैं कि भाई साहब ये जो मलिक लिखा हुआ है ना मेरे पास, इसकी जगह पे मुझे ये मलिक थोड़ी लिखवाना है, मुझे तो वो लिखवाना है जो यूज़र का नाम है, ठीक है। अच्छा अब मैं ज़रा इसको ना कॉन्सोल पे जाता हूँ, और कॉन्सोल पे जाके मैं इसको करता हूँ साइन इन। ओए क्या हुआ ये क्या एरर दे दिया इसने फ़ौरन मुझे, नेटवर्क एरर, सही तो है नेटवर्क, नेटवर्क को क्या हुआ है। अच्छा ये हो गया जी, और साइन इन एक्सियोस एपीआई कॉल, नेटवर्क एरर, नेम एक्सियोस कोड, नेटवर्क एरर, कॉन्फिग दिस 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 दिस, ओके गॉट इट। ये मेरा सर्वर असल में रन नहीं हो रहा है, इस वजह से एरर दे रहा है मुझे ये, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ जी अपने ज़रा सीडी करके, किस में आ जाऊँ मैं, 8 जो मेरा अभी वाला फोल्डर है, और उसके बाद सीडी, सॉरी इसके बाद npm run dev, ताकि मेरा सर्वर रन हो जाए। ये मैंने सर्वर रन करवा दिया, क्योंकि मेरा सर्वर ऑफ था इसलिए मुझे वो जैसे ही मैं क्लिक करता तो मुझे एरर देता था। मैंने साइन इन का बटन दबाया, देखो रिस्पांस में लिखा हुआ आ गया लॉग इन सक्सेसफुल, ठीक है। लॉग इन सक्सेसफुल लिखाने के बाद मुझे क्या चाहिए था, मुझे उस यूज़र का पूरा प्रोफाइल भी यहाँ पे चाहिए था। तो मैं ज़रा अपने सर्वर पे चला जाता हूँ कि भाई ये यूज़र का पूरा प्रोफाइल क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, वो ज़रा देख लेते हैं एक नज़र जाके, ठीक है। मैं अपने सर्वर पे आ जाता हूँ, ये मेरे सर्वर का कोड है ना, अब ज़रा लॉगिन का देख लेते हैं क्या है कोड। ये लॉगिन का कोड है मेरा। अब जब मेरा यूज़र साइनअप होता है, प्रॉपरली साइनअप होता है, तो मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ आता है, लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ आता है। इसके साथ साथ मुझे क्या देना है, मुझे प्रोफाइल भी रिटर्न करनी है यूज़र की, मुझे यूज़र की क्या करनी है, प्रोफाइल भी रिटर्न करनी है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये डेटा जो है ना भाई साहब, ये पूरा आप क्या कर दो इधर, ये यहाँ पे लिख दो, रिटर्न कर दो, सही है। और अब मैं ज़रा आप जब लॉगिन करता हूँ तो देखता हूँ मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे वो डेटा भी मिलेगा। ये क्या हुआ, अच्छा मिल गया यार, ये डेटा क्यों नहीं आया मेरे पास, ओके वो डेटा आया हुआ है मेरे पास, लेकिन उसको मैंने स्क्रीन पे प्रिंट इस तरह से नहीं करवाया, इसलिए मुझे वो शो नहीं कर रहा। तो मैं वापस कंपोनेंट में आता हूँ, मैं लॉगिन के कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ, लॉगिन के कंपोनेंट में अंदर जाके मैं लॉगिन का फॉर्म हैंडलर ये देखता हूँ। अच्छा मैंने रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज को प्रिंट करवाया हुआ है, तो मैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा को प्रिंट करवाऊँगा ना, तो मुझे देखो दोनों चीज़ें मिलेंगी फिर, ठीक है। ये मुझे मिल गया वहाँ से डेटा। अब इसमें नंबर एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें पासवर्ड भी आ रहा है साथ साथ, जो कि मुझे नहीं चाहिए पासवर्ड, मुझे नहीं चाहिए, क्रिएटेड ऑन भी मुझे नहीं चाहिए कि कब साइन अप हुआ, ये क्यों बता रहा हूँ मैं यूज़र को, यूज़र को मैं बताऊँगा सिर्फ ईमेल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, बस जो मुझे बताना है सिर्फ वो बताऊँगा मैं। तो इसके लिए एक चीज़ होती है प्रोजेक्शन, ठीक है, MongoDB का ये फीचर होता है प्रोजेक्शन। तो इस प्रोजेक्शन को मैं यूज़ करूँगा, और फाइंड वन जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, इसके साथ साथ मैं क्या लगा दूँगा, एक प्रोजेक्शन लगा दूँगा कि मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, सही है। कैसे लगाऊँगा, मैं कॉमा डालूँगा और एक यहाँ पे और अदद एरे दे दूँगा मैं। इस एरे के अंदर मैं क्या लिखूँगा, जो जो चीज़ मुझे चाहिए मैं वो लिखूँगा। मैंने कहा ईमेल चाहिए मुझे, कॉमा, मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, कॉमा लास्ट नेम, कॉमा एज मे बी, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैंने ये लिखी है ना वही देगा मुझे, ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देगा। दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन, ये MongoDB का फीचर है प्रोजेक्शन, कि मुझे जो चाहिए मैं वही मंगवाऊँ। मैं एक काम और भी कर सकता था कि यार मैं नीचे जाके ना पासवर्ड को इसमें से रिमूव करता है, इस ऑब्जेक्ट में से फिर भेजता, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी हो जाती है। बेहतर ये है कि मैं क्या करूँ, मैं शुरू में ही इसको प्रोजेक्शन लगा के भेजूँ कि मुझे यही डेटा चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी ला के देने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं साइन इन का बटन दबाता हूँ, अब क्या हुआ, एरर आ गया दोबारा, ये मेरा सर्वर क्रैश हो गया, ऐसा क्यों हुआ भला। ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड,
कह रहा ईमेल तो है ही नहीं। ईमेल कैसे नहीं है भाई, एक मिनट ज़रा देख लेता हूँ मैं प्रोजेक्शन का कोड, शायद मैं गलत लिख रहा हूँ। मोंगोस प्रोजेक्शन लिखी है मैंने। प्रोजेक्शन लिखने के दो तरीके हैं, एक है ऑब्जेक्ट में और एक है स्ट्रिंग में। अगर मैं ऑब्जेक्ट में लिखूंगा ना तो मुझे ऐसे करके लिखना है, मुझे ऐसे करके लिखना है कि ईमेल इक्वल टू वन, तो ये इसको समझेगा कि लाना है ये, फर्स्ट नेम इक्वल टू वन, सही है, और ये इक्वल टू वन और ये इक्वल टू वन। अगर कोई चीज़ मुझे हटवानी है, मैंने कहा पासवर्ड इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है पासवर्ड नहीं लाना है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन का एक ये तरीका है, और दूसरा स्ट्रिंग में भी है इसको लिखने का तरीका। स्ट्रिंग में कैसे लिखने का तरीका है, ऐसे कर दिया मैंने, मैंने कहा ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, बस जो जो लाना है वो लिख दिया, बाकी छोड़ दिया। एक प्रोजेक्शन का ये तरीका है, ये दोनों यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ, ठीक है, और ये स्पेस के साथ सेपरेटेड है। अब चला के देखते हैं सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ओए अब क्या हुआ, पासवर्ड होगा? ओ अच्छा 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 अच्छा, ये हो रही है कि जब मैं लॉगिन करवाते हुए जब मैं पासवर्ड यहाँ से माइनस करवा दे रहा हूँ, तो पासवर्ड माइनस करवाने की वजह से हो रही है कि ये पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैच कैसे होगा, पासवर्ड मैच भी तो करवाना था मुझे ना यहाँ पे, तो पासवर्ड मैच करने के लिए चाहिए तो सही, तो मुझे पासवर्ड मंगवाना होगा। वेल ये आपको मैंने प्रोजेक्शन बता दिया है स्टिल, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मुझे ना पासवर्ड को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, पासवर्ड को भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो पासवर्ड मैच ही नहीं होगा, वरना मैच कैसे होगा फिर। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर मुझे डेटा के ऊपर प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं क्या करूँगा हैंड पिक करके उसमें से चीज़ें निकाल रहा, ठीक है। मैं उसको बोलूँगा भाई डेटा डॉट ई मेल डेटा डॉट फर्स्ट नेम डेटा डॉट लास्ट नेम, और क्या चाहिए था मुझे, एज, सही है। तो मैं अब इस तरह करके भिजवाऊंगा, क्योंकि मुझे पासवर्ड को स्टिल अवॉइड करना है। तो अब देखते हैं जी क्या रिपोर्ट है। ठीक है, मेरे पास रिस्पांस आ चुका है, इसके अंदर प्रोफाइल आ चुकी है जिसमें बंदे का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल है। अब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल की जगह ना ये फर्स्ट नेम मुझे यहाँ पे दिखाना है, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम को मिला के दिखाना है मुझे यहाँ पे। तो मैं कैसे दिखाऊंगा यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिला के, यहाँ पे नैव बार तो है ही नहीं, मैं तो इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, ये तो क्या, ये कौन सा पेज है, ये तो लॉगिन का पेज है ना, इसमें तो है ही नहीं मौजूद वो नेव बार, नेव बार तो दूसरा कंपोनेंट है, और इसका चाइल्ड भी नहीं है कि मैं प्रॉप के ज़रिए पास कर दूँ। भाई लॉगिन का चाइल्ड तो नहीं है ना, लॉगिन का सिबलिंग है वो, ठीक है, लॉगिन हटेगा तो वो आएगा, या सिबलिंग हटेगा तो खैर क्या, वो लॉगिन के साथ ही है, लेकिन वो सिबलिंग है लॉगिन का, चाइल्ड नहीं है, ठीक है। चाइल्ड होता तो प्रॉप के ज़रिए मैं पास कर देता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आके वही तरीका करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट वाला, ठीक है, यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट लाना होगा। तो जैसे मैं गैलरी के अंदर मैंने प्रिंट करवाया था कॉन्टेक्स्ट, वैसे यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट प्रिंट करवा दूँगा। मैंने कहा भाई ये लो लॉगिन पे क्या इम्पोर्ट कर लो, ये कॉन्टेक्स्ट की दोनों चीज़ें इम्पोर्ट कर लो। उसके बाद क्या करो, ऐसे स्टेट बना लो, ऐसे स्टेट यहाँ पे कहाँ बनेगा, लॉगिन के फंक्शन के अंदर बनेगा ये स्टेट, यहाँ पे ऐसे स्टेट बना लो। और स्टेट के बाद अब मुझे रीड तो करना नहीं है, मुझे करवाना है डिस्पैच, मुझे करवाना है चेंज, तो मैं डिस्पैच का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा।
तो अब मैं यहाँ पे जो मैं कंसोल पे हाँ ये इस जगह पे जो मैं कंसोल पे लॉग करवाता हूँ, यहाँ पे मैं डिस्पैच करूँगा क्या, यहाँ पे मैं डिस्पैच करूँगा लॉगिन कि भाई बंदा लॉगिन हुआ है, और लॉगिन होने की सूरत में अच्छा उसको मैं कैसे देता हूँ, ऐसे देता हूँ टाइप लॉगिन, ठीक है। अच्छा अब जाहिर है इसके अंदर सिर्फ लॉगिन तो नहीं हुआ है ना, कुछ डेटा भी है, तो मैं पेलोड करके इसको डेटा भी दूंगा ये, ठीक है। पेलोड करके मैं क्या दूंगा इसको, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोफाइल, ठीक है। पूरी की पूरी प्रोफाइल इसकी मैं यहाँ से उठा के उसको दे दूंगा, ठीक हो गया। पूरी की पूरी प्रोफाइल मैंने इसको उठा के यहाँ से दे दी। अच्छा अब ये डिस्पैच तो मैंने यहाँ से करवा दिया, लेकिन वो मुझे मिलेगा कहाँ पर, अब ये डिस्पैच में जो पेलोड भेजा है मैंने, ये मुझे मिलेगा मेरे रिड्यूसर के अंदर मिलेगा मुझे ये, ठीक है। ये मेरे रिड्यूसर के अंदर मुझे मिलेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे यूज़र अंडर स्कोर लॉगिन ना पहले से एक बना हुआ है, आप नोट करें, तो मैं काम करता हूँ यूज़र अंडर स्कोर लॉगिन ही कर देता हूँ इसको, यूज़र अंडर स्कोर लॉगिन करवा दिया मैंने। अच्छा यूज़र अंडर स्कोर लॉगिन पे क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। आप नोट करें यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप पे ये स्विच लगा हुआ है, और एक्शन डॉट पेलोड वो डेटा है। तो एक्शन डॉट पेलोड में जो भी कुछ आप देंगे वो सीधा यूज़र के अंदर उसको रखवा देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, सीधा उसको यूज़र के अंदर रखवा देगा। यूज़र के अंदर पहले शुरू में क्या मौजूद था, कुछ भी नहीं था, खाली था, एम्प्टी ऑब्जेक्ट था। अब उसने यूज़र के अंदर रखवा दिया होगा उसको मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा अब ये चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने का तरीका ये है कि नैव बार में जाके मैं उसको प्रिंट करवा के देख लूँ। अच्छा नैव बार में भी वो इम्पोर्ट नहीं हुआ हुआ, तो मैं काम करता हूँ नैव बार में इम्पोर्ट करवा लेता हूँ उसको। जाता हूँ मैं लॉगिन में, क्या क्या करवाया था मैंने, एक लाइन ये है, ठीक है। नैव बार के अंदर आके मैंने ये लाइन यहाँ पे लिख ली, ठीक है, और ऊपर दो लाइन ऊपर की थी, ये वाली दो लाइन है, ये मैंने यहाँ पे लिख ली। रिटर्न में जो है वो स्टेट का ऑब्जेक्ट क्लोन करके भेज रहा है, हाँ, क्लोन करके भेज रहा है। क्लोन करने से वो रेफरेंस टूट जाता है ना, इसलिए तो मैंने कहा स्टेट, अब यहाँ जो मलिक लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, अब स्टेट डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट नेम। अच्छा यहाँ पे ना जाहिर है सम टाइम यूज़र ये क्या मिल सकता है आपको, अनडिफाइंड मिल सकता है, तो आप यहाँ पे नलिश ऑपरेटर भी लगाएंगे कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल प्रिंट करवाते हैं कि अगर ये नलिश, अगर ये नल हो गया ना कोई भी, तो ये एरर नहीं देगा, ये जस्ट उसको प्रिंट नहीं करेगा ये। तो फर्स्ट नेम मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मैं जब मैं लॉगिन करूँगा तो फ़ौरन फर्स्ट नेम कोने पे आ जाएगा, ये देखें आप नोट किया आपने, आ गया। अच्छा और फर्स्ट नेम के साथ साथ मैंने लास्ट नेम भी प्रिंट करवाना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। अब मैंने रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने से ज़ाहिर गायब हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाता है रिफ़्रेश करने से। अब मैं लॉगिन जैसे ही करूँगा तो वो क्या हो गया, फ़ौरन उसने कोने पे लिख के बता दिया और कहाँ से आया ये डेटा, ये डेटा मेरे पास API के रिस्पॉन्स से आया था, ठीक है। और फ़ौरन इसने देखा यहाँ पे कोने पे उसको प्रिंट करवा दिया। अब मैं पूरे कंपोनेंट में कहीं भी घूमता रहूँ ना, किसी भी जगह चला जाऊँ मैं, ये डेटा अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। इसको मैं अपने कंपोनेंट में किसी भी ऐप, पूरी ऐप के अंदर किसी भी कंपोनेंट में इस चीज़ को मैं प्रिंट करवा सकता हूँ स्क्रीन पे, इस चीज़ को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, इस डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर सकता हूँ किसी भी जगह पे मैं, पूरी पूरी ऐप के अंदर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या करवा लिया, अभी हमने बंदा अपना लॉगिन करवा लिया है, और बंदे का जो डेटा था, जो लॉगिन होने पर जो डेटा उसको मिला था, वो डेटा कहाँ स्टोर करवा दिया है, हमने एक ग्लोबल स्टोर में उसको रखवा दिया है, ठीक है। हमने क्या करवा दिया, एक ग्लोबल स्टोर में उसको रखवा दिया है, उससे क्या होगा कि वो वहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मगर एक सवाल है कि रिफ़्रेश करने पे क्या होगा, वो तो ख़त्म हो गया रिफ़्रेश करने पे, लेकिन अभी ये आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। अब अगला हमारा जो टॉपिक है ना वो ये है कि भाई लॉगिन का सेशन कैसे बनेगा। मिसाल के तौर पे लॉगिन तो हो गया मेरा सक्सेसफुल, लेकिन लॉगिन के बाद अब बाकी की APIs को सिक्योर कैसे करूँगा मैं, सिक्योरिटी का इशू अब हमारे पास आ गया है कि भाई लॉगिन हो गया बंदा एक बार, तो मैं ये चीज़ कैसे अब मेक श्योर करूँ कि जो बंदा लॉगिन है उसी को ही मैं डेटा दिखाऊँ, बाकियों को ना दिखाऊँ। तो ये काम मुझे अब सर्वर पे जाके करना होगा, ये काम सर्वर से करने वाला है, ये काम यहाँ से करने वाला नहीं है, ठीक है। तो JWT टोकन का हम इस्तेमाल करने लगे हैं, तो क्या ख्याल है, JWT टोकन आज पढ़ लिया जाए या उसके लिए हम अगली क्लास तक वेट करें ताकि कॉन्टेक्स्ट API की प्रैक्टिस हो जाए सब लोगों की। नेक्स्ट पे कर ले यार, इसका थोड़ा सा दोबारा बता दे, ज्यादा थोड़ा रिपीट कर, समझ में नहीं आएगा।
अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो आपने जो काम किया ना कि ग्लोबल पे वो सेट करने के लिए जो प्रोफाइल पिक्चर और नेम वगैरह जो आप सेट कर रहे हैं ना, तो इसमें सर रिएक्ट में इस तरह कोई प्रोसेस नहीं है या जावास्क्रिप्ट में कि जिस तरह हम पीएचपी में करते हैं ना यही काम? हाँ, पीएचपी में सेशंस अवेलेबल हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, जस्ट हम लॉगिन के वक्त उसका डेटा उसी लॉगिन फॉर्म के बाद जब उसको ले लेते हैं उसको चेक करने के बाद उसको हम सेशन पे उधर ही सब सेट कर देते हैं, तो फिर हमें वो पूरे ऐप में अवेलेबल होता है, तो इस तरह कोई इसमें नहीं है? अच्छा, इसमें है बिल्कुल, सेशन इसमें मौजूद है, सेशन इसमें मौजूद है, वो हम पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो हमने ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा है। अच्छा, उसमें पीएचपी में ना ये दोनों चीज़ें एक एक साथ होती हैं, अलग अलग नहीं होती, सही है ना? आप यही कहना चाह रहे हैं कि पीएचपी में ये दो चीज़ें अलग अलग नहीं होती, वो एक ही साथ होती हैं, कि हम सर्वर से सेशन भेजते हैं वो हमें फ्रंट एंड में सब जगह मिल रहा होता है, लेकिन इसमें ये चीज़ अलग अलग है क्योंकि क्लाइंट सर्वर अलग अलग है। REST API में आपकी वेब एप्लीकेशन भी सेम API कॉल करेगी और आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी सेम API कॉल करती है, जिसकी वजह से इसको अलग अलग किया गया है और इसको स्पीड भी इससे थोड़ी बढ़ जाती है। रिएक्ट में सारा ये जो मंजन है ना, ये सब स्पीड का चक्कर है कि कैसे एप्लीकेशन को फास्ट बनाया जाए। यही वजह है कि पहले जीमेल जब आप खोलते थे तो बहुत देर में खुलता था, लेकिन अब जब जीमेल खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं तो वो फ़ौरन खुल जाता है, ठीक है? वो यही वजह है कि वो नई टेक्नोलॉजी के अंदर ना ये चीज़ें स्पीड में बड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया है उसको, तो ये स्पीड का चक्कर है सारा, इस वजह से ऐसे करते हैं, वरना ऐसे करने की कोई ज़रूरत इसको थी नहीं। तो अब पॉइंट ये है भाई कि ये कोड ना मैंने तो बता दिया, मैंने तो समझा दिया, लेकिन अब मेरा जो समझाया हुआ है ना वो आपके दिमाग में जब तक नहीं बैठेगा जब तक आप ये काम खुद से नहीं करेंगे। तो आपने करना क्या है, एक दफा रिपीट कर जी, मैं रिपीट भी कर देता हूँ मैं, लेकिन मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी मैं 5 मिनट में रिपीट करता हूँ, उसके बाद ये जो आर्टिकल है ये मैं आपको दोबारा इसका लिंक भेज देता हूँ, इस आर्टिकल का। आपने क्या करना है, इस आर्टिकल को जाके सबसे पहले तो करना है इस पर क्लैप, सही है, लाइक करना है, क्योंकि ये मैंने लिखा था बहुत पहले, तो अच्छा खैर लाइक करने वैसे ही मजाक कर रहा हूँ मैं कर देना, लेकिन अच्छा, तो इसको आर्टिकल को आपने ओपन करना है। इस आर्टिकल में जो बताया गया है ना कि न्यू ऐप क्रिएट करके ना उसमें करना बताया गया है, न्यू ऐप क्रिएट करके, मैंने तो एक चलती हुई ऐप में उसको लगा के बताया ना आपको, तो आप इस आर्टिकल को ना न्यू ऐप जैसे ये बता रहे हैं ना इसके अंदर एग्जैक्टली वैसे आप करके ट्राई करें, अभी करके ट्राई करेंगे, ठीक है? और उसके बाद जब वो एक न्यू ऐप में, एक एम्प्टी एप्लीकेशन में जब वो चल जाए आपसे, तो फिर आप इसको उठा के अपनी वेदर एप्लीकेशन में लगा लीजिएगा, लॉगिन साइन अप वाली ऐप में लगा लीजिएगा, ठीक है? ये आपने आज करना है, अभी करना है, ठीक है? तो अच्छा, सारा का सारा कोड बॉयलर प्लेट है, ये एक दफ़ा आप यहाँ से कॉपी करके आपने लगा लिया वो वैसे ही चलेगा हमेशा, सही है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो अब ये ज़रा मुझे बताएं कि कौन सा वाला पार्ट आपको क्लियर नहीं है, वो ज़रा पार्ट मैं समझाता हूँ आपको, फिर एग्जैक्टली वही पार्ट। ये मुझे यहाँ पे सिर्फ छोटी सी चीज़ पूछनी है, ये नलिश ऑपरेटर जो लगाया है, ये स्ट्रेट क्वेश्चन मार्क डॉट यूजर क्वेश्चन मार्क, ये तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब एक तो होता है ना नल चेक लगाते थे पहले हम, कि भाई अगर स्टेट हो एंड यूज़र एंड फर्स्ट नेम ऐसे करके लगाते थे, ये उसका शॉर्टकट है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है, ये अभी नया मंजन है जावास्क्रिप्ट का। ES6 का है शायद ये, हाँ ES6 का है ये, ES5 में ये नहीं था। सर मुझे दो छोटी छोटी चीज़ें पूछनी है, एक तो ये कि ये राउटिंग लॉगिन वाली जो लास्ट क्लास का कोड था सर्वर का, वो मैं साइक्लिक पे पुश किया ना, हाँ, गेटअप के जरिए, हाँ, तो वो हो गया सक्सेसफुली, वो बैकएंड जो है डिप्लॉय हो गया, लेकिन उसमें एक इशू ये आया, ईमेल आ रही है मुझे गिटहब से कि आपने MongoDB का URI एक्सपोज किया हुआ है, हाँ, तो ये सिक्योरिटी का एक तो ये चीज़ है, ये बता दें। और दूसरा ये आपने जो लास्ट टाइम जो डायरेक्टरी हायरार्की रखी थी वो ये रूट के ऊपर ना server.mgs रखी थी और एक वेब का फोल्डर बना के उसमें जो फ्रंट एंड रखा था, तो क्या इन दोनों को अलग अलग गिट की रिपोजिटरी बनानी है? नहीं, वैसे आप असूलन तो इसको एक रिपोजिटरी में ही रखेंगे आप सर्वर को और फ्रंट एंड को, लेकिन अगर आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं आप, ये एक फोल्डर में ना रूट पे सर्वर होगा और डॉट वेब करके आपका पूरा वो फिर रिएक्ट की एप्लीकेशन होगी। मैं तो इसी तरह कर रहा हूँ फिलहाल, अभी देखें मेरे पास ना, अगर मेरी स्क्रीन अभी भी आपको नज़र आ रही है तो आप देखें फोल्डर नंबर 8, उसमें सबसे पहले वेब, वेब में पूरी रिएक्ट की ऐप अंदर मौजूद है, और यहाँ रूट पे इसके सर्वर की एक फाइल पड़ी हुई है server.mgs,
तो क्लासिक तो तरीका यही है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, सेम रिपोजिटरी में रखते हैं इसको आप, ठीक है। अच्छा, तो कोई मसला नहीं है, सेम रिपोजिटरी में रखें। और दूसरा ये है कि जो आपको वो एरर दे रहा है ना कि MongoDB का URL आपका एक्सपोज हुआ हुआ है, वो URL असल में आपको रखना होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल में। वो इन्वायरमेंट वेरिएबल अभी तक मैंने बताया नहीं आपको कि कैसे सेट होता है, लेकिन वो मैं बता दूंगा होपफुली अभी, क्योंकि हम लॉगिन साइनअप, अभी सर्वर की काफ़ी चीज़ें रहती हैं हमारी ना, ये लॉगिन और साइनअप जब हम कंप्लीट करेंगे ना सर्वर पे, तो किसी ना किसी पॉइंट पे मुझे आप याद दिला दीजिएगा, तो मैं वो बता दूंगा आपको कि वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में उसको कैसे रखा जाता है MongoDB के URL को। सही है, तो वो फिर आपका एक्सपोज नहीं होता, कोई ऐसा इशू नहीं है। वेल, अभी तो फिलहाल अब सीखने के लिए कर रहे हैं ना आप, तो आपका एक्सपोज हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, आप दूसरा बना लीजिए, कोई इशू नहीं। हाँ, लेकिन बाद में फिर तो ये होता है ना, वो प्राइवेट रिपोजिटरी होती है। अच्छा, प्राइवेट रिपोजिटरी आप साइक्लिक पर डिप्लॉय नहीं कर सकते, वो कहता है कि पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है, प्राइवेट नहीं रख सकते आप, प्राइवेट रखेंगे तो फिर पैसे मांगता है वो आपसे ना। अच्छा, वेल, अभी मैंने रिसेंटली ना एक यहाँ पे वो भी बना के शेयर किया था ना, मैं अगर वो मुझे नज़र आ जाती है वीडियो तो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि वो साइक्लिक पे ना कैसे डिप्लॉय होगा। वो मैंने अभी किसी, वो बहुत बहुत ईजी है सर, दो तीन क्लिक से हो जाता है। हाँ, तो ये मैंने ना, ये मेरी एक वीडियो है, ये साइक्लिक पे डिप्लॉय करने, इससे आप सीख सकते हैं, ये वीडियो मैंने आपको भेज दी है। ये सैलानी की असल में क्लास में मैंने अभी वहाँ पे एक्सप्रेस शुरू हुआ है ना, तो उनको मैंने डायरेक्ट साइक्लिक पढ़ाया है, तो ये आप वीडियो देख लें, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हम सर्वर डिप्लॉय करेंगे तो ये साइक्लिक हम करेंगे यहाँ पर। बहुत ईजी है ये, बहुत आसान है, ठीक है। आपको तो खैर, आपने तो कर ही लिया, आपको तो क्या सीखना है, जो बाकी लोग हैं जिन्होंने अभी तक साइक्लिक को चेक नहीं किया, चेक करके नहीं देखा, तो ये वीडियो वो देख लेंगे ना तो उनको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी सा ये काम, ठीक है जी। तो सब लोग जल्दी जल्दी ना शुरू हो जाएं। ये आर्टिकल का लिंक मैं आपको भेज चुका हूँ, इस आर्टिकल में एक न्यू ऐप बनाना सिखाया जा रहा है, तो ये आप न्यू ऐप इस तरह बनाएं और ये जो है ना पूरा आप चला कर दिखाएं मुझे, ये यहाँ से लेट्स स्टार्ट कोडिंग जो है ना, यहाँ से आप इसको पढ़ना शुरू करें, और पढ़ के आप जैसे जैसे इसमें फाइल बताई जा रही है एग्जैक्टली आप वैसे वैसे करेंगे ना, तो आपको ये बन के भी मिल जाएगा। अच्छा, लास्ट में ना इसके एक रिपोजिटरी का भी लिंक है, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में एक रिपोजिटरी का लिंक है इसके, ये रहा रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट API एग्जाम्पल। तो ये रिपोजिटरी के अंदर ना इसका पूरा बना हुआ कोड मौजूद है, यानी जो कोड लिखवाया जा रहा है इस पूरे आर्टिकल के अंदर, वो पूरा बना हुआ कोड इसके अंदर मौजूद है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख कर उसको लिख सकते हैं, ठीक है। चले, सब लोग जल्दी से शुरू हो जाए। सवाल है मेरा, ESC जो है मॉड्यूल JS, इसकी जो है जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अवेलेबल नहीं है, तो मतलब कैसे उसको समझते हैं, मतलब आप अगर आपको अगर पढ़ना होता है। अब ये मल्टर जो है ना देख रहा था, तो उसके अंदर जितनी भी है सब जो है रिक्वायर वाली, मतलब पुरानी है। इतनी ज़्यादा देखो चीज़ें, पहली बात तो चेंज नहीं है असल में, वो टाइप स्क्रिप्ट मैंने ना टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है। जब ये मॉड्यूल JS नहीं आया था ना, तो ES6 का कोड जब भी हम लिखते थे, लेकिन वो लिखते थे हम टाइप स्क्रिप्ट के ज़रिए। तो अब ये मॉड्यूल JS के आने के बाद टाइप स्क्रिप्ट की ज़रूरत अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, अब मॉड्यूल JS में डायरेक्ट कोड लिखा जाता है। तो वो टाइप स्क्रिप्ट का कोड असल में मेरे पास जहन में सेव है, तो मैं वो लिख रहा होता हूँ उससे बनी का। तो आपको जो है ना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बता दिया मॉड्यूल JS उतना आप समझ लें, ठीक है। बाकी थोड़े दिनों में ये जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये सब अपडेट हो जाएंगे इसी के ऊपर, तो आपको फिर वो रिक्वायर नज़र ही नहीं आएगा, कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं रिक्वायर, ये सब इसी पे इंपोर्ट पे आ जाएंगे थोड़े दिनों में। सही है, अच्छा ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये मुझे मिल गई है, ये मैंने देखी नहीं थी, मैंने अभी आपके लिए सर्च किया है, अब्दुल बासित, ये मैं आपको भेज रहा हूँ लिंक, ये इसका ना डॉक्यूमेंटेशन ये मिल गई है MJS वाली। तो MJS में फंक्शन कैसे बनेंगे, MJS में एक्सपोर्ट कैसे होगा, इम्पोर्ट कैसे होगा, सही है, ये सब इसमें लिस्ट बनी हुई है पूरी,
सही है, इंपोर्ट करने के चार पांच अलग अलग तरीके हैं कि भाई ऐसे ऐसे इंपोर्ट हो जाता है इसमें। वेल अब इस डॉक्यूमेंट में ना ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना पता चल जाए कि आप इसी में ही फंसे रह जाएं, बाकी लोग आगे निकल जाएं। सही है, तो थोड़ा मतलब सरसरी सा देखिएगा, इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये पूरा डॉक्यूमेंट है ऊपर से नीचे तक, जो जो फ़र्क है ना वो सब इसमें मेंशन की। असल में फ़र्क यही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही फ़र्क है, बाकी तो चीज़ें सेम है। बाकी जो फंक्शन है ES6 के वो तो पहले भी चल जाते थे इसमें, जो एरो फंक्शन वगैरह ना वो इसमें पहले भी थे, एसिंक का वेट ये पहले भी था, तो बहुत चीज़ें पहले थी, बस ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही असल में चेंज हुआ है ये मॉड्यूल के अंदर। ओके सर, शुक्रिया।